हेलो एवरीवन वन मैं नीलम आप सभी का मैग्नेट ब्रिंस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रिंस एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किन्डर से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं जैसा कि आज हम आप लोगों के लिए कक्षा बारहवीं संस्कृत इलेक्टिव वाले बच्चों के लिए जो कोई शाश्वती पढ़ रहे हैं और उनके लिए सी बी एस ई ने जो टर्म टू एग्ज़ाम का जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है उसको हम आपको आज सॉल्व करवाने वाले हैं ठीक है तो हम भाई सी बी एस ई टर्म टू एग्ज़ाम जो हमारा 21 बाईस का होना है उसके लिए जो सैंपल पेपर है वो हम देख लेते हैं कि कैसा सी बी एस ई ने बताया है एक आदर्श प्रश्न पत्र है यानी एक तरह से आपको पता चल जाएगा कि टर्म टू में हमारा पेपर आना कैसा है और उसको हमें हल कैसे करना है जैसे इस प्रकार से लिखा होगा कि आदर्श प्रश्न पत्र ये तो आदर्श प्रश्न पत्र है लेकिन आपकी द्वितीय सत्रीय परीक्षा इस प्रकार से लिखा हुआ होगा ये तो हम बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो आपकी वार्षिक परीक्षा लिख जाएगी आदर्श प्रश्न पत्र नहीं है ठीक है ये है लेकिन आपका जो मूल आएगा वो उस पर नहीं होगा ये तो केवल लिख दिया है कि भाई आप ये जो कर रहे हैं वो द्वितीय सत्रीय परीक्षा दो हज़ार और बाईस का कैसा पेपर आना उसका एक प्रारूप है कक्षा द्वादशी है संस्कृतम कोड प्रकार से लिखा होगा आपको यहाँ पे समय लिखा हुआ होगा कि हो रहा द्वयम हो रहा यानी घंटे द्वयम यानी दो दो घंटे आपको मिलना है पूर्णांक आपको चालीस मिलेंगे ठीक है चलिए तो अब इसमें फिर हमारे सामने क्या आएंगे निर्देश लिखे हुए आएंगे सामान्य निर्देशों को पढ़ लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि उसके लिए हमें समय मिलता है तो उनको ध्यान से हमें पढ़ लेना है तो पहला आपका निर्देश लिखा हुआ होता है कृपया सम्यकतया है यानी सम्यकता अच्छी प्रकार से परीक्षण कुरंतु परीक्षण करिए यत के अस्मिन प्रश्न पत्रे छः प्रश्नानि मुद्रितानी संति यानी छ कैसे छपे हुए मुद्रितानी यानी छपे हुए जिनमें मुद्रित हो लिखा हुआ हो ऐसी पृष्ठ हैं या नहीं है ठीक है इसको देखिए कृपया सम्यकतया परीक्षण करवंतु कृपा आप करके ध्यान से आप क्या कीजिए कह रहे हैं परीक्षण कुरवंतु परीक्षण कर लीजिए ये जाँच कर लीजिए कि यद अस्मिन प्रश्न पत्र कि इस प्रश्न पत्र में नौ प्रमुख प्रश्न सन्ती नौ प्रमुख प्रश्न हैं या नहीं एक मतलब मेन जो आपके रहते हैं ना बड़े जो हाईलाइट करके दिखाई दे दिए जाते हैं और गहरे अक्षरों में लिखे होते हैं वो नौ पूरे प्रश्न हैं या नहीं इसके बाद कह रहे हैं उत्तर लेखनाद पूर्वम प्रश्न से क्रमांक अवश्यम लिखनीय उत्तर लिखने के पूर्व भाई जैसे ही परीक्षा हो परीक्षा में जब आप पेपर देने जाएं, तो ऐसा नहीं करना है आपको कि सबसे पहले मान लीजिए कि नौ प्रश्न में से आपको आठवां प्रश्न पहले आ रहा है तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप प्रश्न क्रमांक आप उसको किस स्थान पर कर रहे हैं आपने कहा कि हमें पहले से हमें नहीं आ रहा समझ में हमें तो आठवां प्रश्न अच्छा लग रहा है तो आपने यहाँ आठवें प्रश्न को पहले न पहले स्थान पे कर रहे हो तो आप उसको ऐसे नहीं लिख देना कि है तो प्रश्न पत्र के हिसाब से तो वो आठवा है लेकिन आपने लिख दिया प्रश्न नंबर एक आप पहले न, पहले नंबर पे कर रहे हो वो बात गलत है वो बात अलग है कि आप पहले नंबर पे कर रहे हो लेकिन है तो वो आठवा तो उसके हिसाब से ही लिखना यहाँ एक ना लिख के आप आठ ही लिखना कि आप प्रश्न क्रमांक आठ को हल कर रहे हैं ठीक है तो ये एक आप तरीका समझ लीजिए नहीं तो कई बार ऐसी ही गलतियां बच्चे करके आते हैं अस्य प्रश्न पत्र से इस प्रश्न के पढ़ने के लिए आपको पंद्रह निमेशा निर्धारित संति पंद्रह मिनट आपके लिए निर्धारित है। अस्मिन हैं अस्वध इस अवधि में केवलम प्रश्न पत्र पठनीयम केवल प्रश्न पत्र पढ़ना है उत्तर पुस्तिकायाम चकमी ना लिखनीयम उत्तर पुस्तिका में आपको कुछ भी नहीं लिखना है प्रश्ना नाम उत्तराणी उत्तर पुस्तिकायाम एकस्मिन स्थाने क्रमेण लिखनीयम हम उत्तराणी प्रश्न पत्र के जो उत्तर, है, उत्तर हैं उत्तर पुस्तिका में एकस्मिन स्थाने क्रमेण लिखनीयम यानी क्रम से लिखिएगा है ना एक स्थान पर ऐसा नहीं है कि एक इधर लिखा है फिर दूसरा भाई पूरा आपका प्र ये भाई उत्तर पुस्तिका दी हुई है तो क्रम से भाई कोई भी कर रहे हैं तो यहाँ पर भाई प्रश्न होना चाहिए उसके बाद आप उत्तर लिख रहे हैं फिर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक कॉपी पे एक पेज पे यहाँ लिख दिया ये वाला छोड़ दिया फिर उस पर लिखना शुरू कर दिया तो ऐसा आपको नहीं करना है क्रम से जैसे पेज है उसके बाद क्रम से नंबर लिखते जाइए और अपने प्रश्न पत्रों को हल करते जाइए प्रश्नानाम निर्देशा ध्यान इन अवश्यम आप प्रश्न के निर्देश को ध्यान से जरूर पढ़ लेगा कि प्रश्न कह क्या रहा है हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आधा हमारा सही हमारा प्रश्न पत्र ऐसे ही हो जाता है जब तक हमें हम उसको सही तरह से पढ़े नहीं समझे नहीं तो आती हुई चीज़ें भी गलत हो जाती हैं प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसार हम अवश्य हम जो हमने आपको बताया कि प्रश्न की जो संख्या है वो प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखिएगा सर्वेशा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृतिन लेखनिया लेखनियानी और आपको सारे जो उत्तर हैं वो संस्कृत में ही देने हैं क्यों भाई सामान्य सी बात है कि आपका संस्कृत की परीक्षा है तो उत्तर तो आपको संस्कृत में ही देने होंगे ठीक है ना तो जिसमें कि अब आपके नौ प्रश्नों में से पहला आपका प्रश्न जो बनेगा वो अपटित अवबोधन से आएगा यानी बिना पढ़ी हुई चीजें उसका कैसा आपको ज्ञान है उसका पता लगता है किससे अपठित गद्यांश से वर्णात्मक प्रश्न होता है जिसमें जैसे हमारा पहला प्रश्न बना हुआ होगा आपको मिलेगा कि अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके प्रदत्तान प्रश्नान नीचे प्रदत्त भाई गद्यांश को पढ़ के उसके नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको संस्कृति ने उत्तराध उनको संस्कृत के द्वारा लिखिए हालांकि छठवीं से पढ़ रहे हैं बारहवीं तक इतना तो आप बच्चे समझ ही जाते हैं लेकिन फिर भी हम आपको इसलिए बता देते हैं कि नहीं आया समझ में तब भी समझते जाइए कि इसका मतलब क्या होता है तो ये एक ऐसा गद्यांश है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा आपकी किताब में कहीं नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको इसको ध्यान से पढ़ना है पढ़ने के बाद में इससे जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं उनका आपको इसी में से ढूंढ के आपको जो उत्तर देना है ठीक है चले तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे गद्यांश को कोशिश करिएगा हमारे साथ में हर एक शब्द का अर्थ लगाने की क्योंकि हर एक शब्द को हम जैसे समझते हैं तो हमारा अर्थ स्पष्ट होने लगता है एक भाई वाक्य को गद्यांश के वाक्य को आप पढ़िए पूरा ठीक है अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आपको पढ़ रहे हैं अब यहाँ पे हमने जैसे एक पूरी आपकी पंक्ति पढ़ी और हमने कहा का कदाचित यानी किसी समय की बात है कदाचित यानी कभी पंचदर्शिया पंच पंच यानी पाँच दस यानी हो गए पाँच और दस कितने होते हैं पंद्रह वर्षीय है, यानी वर्ष की तो पंचदश वर्षीय यानी पंद्रह वर्ष की काचित बाला कोई बाला यानी कोई लड़की ठीक है अच्छा बाल लड़के के लिए होता है बाला लड़की के लिए होता है ऐसे जैसे बालक हमारा लड़का लड़के को इंगित करता है और बालिका लड़की को लेकिन इसी का एक तरह का ये पर्याय है कि हम बालिका को बाला भी कह देते हैं तो यहाँ कहा काचित बाला यानी कोई लड़की पित्रा सह पित्रा पित्रा का अर्थ क्या होता है पिता ठीक है लेकिन पित्र शब्द में यहाँ पर तृतीय विभक्ति है इसीलिए यहाँ पे हम किसका अर्थ लगा सकते हैं से की द्वारा का लेकिन साथ में से और की द्वारा के बाद में ये सह लगा हुआ है तो समझ जाइए कि सहारते तृतीया की वजह से यहाँ पे ये तृतीय विभक्ति लगी हुई है पिता में अर्थ काकी की का निकल रहा है ठीक है किसी भी तृतीय विभक्ति युक्त शब्द के बाद में अगर सह लगा हुआ हो तो उस शब्द में से और के द्वारा का अर्थ नहीं जोड़ना उसमें के का अर्थ जोड़ देना यानी के द्वारा वाला है ना द्वारा हटा देना के जोड़ देना और उसका अर्थ निकाल देना जैसे पिता के साथ ठीक है इस प्रकार से अर्थ अपना ध्यान कीजिएगा ऐसे ही जब अर्थ स्पष्ट होंगे तो आपके जो अनुवाद हैं वो भी सही हो जाएंगे आपकी सारी चीजें समझ में आने लगेंगी यानी पिता के साथ मेलाम प्रति यानी मेला के प्रति मेला की ओर प्रस्थिता आसीत यानी प्रस्थान करके ग, गई यानी गई ठीक है जा रही थी काचित पंचदर्शिया यानी कदाचित किसी समय की बात है कि कोई पंद्रह वर्ष की कोई बाला यानी कोई लड़की पंद्रह साल की कोई लड़की पित्रा सह पिता के साथ मेलम प्रति मेला की ओर प्रस्थिता आसी प्रस्थान करती है गई थी ठीक है सा वह अल्पे एव अब यहाँ पे देखिए हमने जैसे ये पहला वाक्य पढ़ा अब हो सकता है कि आपने सारे इसको पढ़ लिया पढ़ लिया और हो सकता है इसमें से वैसे किसी शब्द का आपको अर्थ ना आ नहीं आया हो तो ऐसा नहीं करना है कि हमें नहीं आ रहा आपने एक पंक्ति को देखा दूसरी पंक्ति को देखा और आप डर गए और आपने ऐसी हड़बड़ाहट होती है बच्चे करते हैं ऐसा कि उन्होंने देखा कि एक पंक्ति पढ़ी दूसरी पढ़ी और दो पंक्तियां नहीं आई समझ में तो उन्हें तीसरी से छोड़ दिया अब के अब नहीं पढ़ रहे हैं समझ नहीं आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप पढ़िए उसको दो तीन शब्द नहीं आएंगे समझ में लेकिन भाई पूरे आ जाए बहुत वो तो बहुत ही अच्छी बात है अगर नहीं भी आए तब भी उनका एक दूसरे से संबंध करके उसका अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए ठीक है ना और यहाँ पे अगर कोई भी ऐसे शब्द है जो समझ में नहीं आ रही तो मेला से समझ जाओ कि पिता के साथ मेला तो ये जाने की बात ही हो रही होगी मेला के लिए जा रही होगी ठीक है तो इस प्रकार से हम अपने अर्थ को निकालने की कोशिश करेंगे ठीक है ना सा अल्पे एव वह अल्प अल्पे एव यानी अल्प होने पर ही वयसी वयसी यानी आयु में वह अल्प आयु में ही अब क्योंकि जो वयस शब्द हमारा आयु के लिए होता है वयसी सप्तमी विभक्ति है मैं का अर्थ बता रहा है ठीक है तो सा यानी वह अल्प आयु में ही अल्प शब्द वयसी का क्या बन रहा है विशेषण बन रहा है आपसे पूछ लिया जा सकता है क्यों हम ये चीजें बता रहे हैं कि इस प्रकार से अगर दो शब्द आपको एक ही पंक्ति में समान विभक्ति के साथ में ही दिखें समझ लेना कि ये एक दूसरे के क्या बन रहे हैं विशेषण के विशेष्य बन रहे हैं एक कोई शब्द विशेष है और उसका एक विशेषण बन रहा है जैसे कि यहाँ पे वयसी वय यानी वयस शब्द किसके लिए आता है आयु के लिए उम्र के लिए ठीक है और उसमें अल्प यानी कम अल्पकार क्या हुआ कम तो कम उम्र में उम्र में उम्र के साथ में मैं जुड़ा था तो उसका जो विशेषण अल्प बना उस, उसको भी सप्तमी बना दिया गया ये ही विशेषण विशेषी का नियम होता है जो मूल शब्द होता है उसमें जो विभक्ति होती है उसके विशेषण में आपको वही विभक्ति लगानी होती हो या फिर आपको लगी मिलेगी तो कहा यहाँ पे कि वह अल्पे एव वयसी वह कैसे कम उम्र में ही विविधासु यानी विविध विद्या विविधासु यानी विभिन्न प्रकार की विद्यासु विद्याओं में विभिन्न प्रकार की विद्याओं में कैसी थी पारंगता पारंगत थी यानी उसके अंदर विभिन्न प्रकार की विद्याएं थीं उन सभी में वो निपुण थी और कैसी थी चतुरमति ही उसकी बुद्धि कैसी थी चतुर थी है ना चतुर्थी हर बात को अच्छी तरह से सोच समझ के करने वाली को चतुर कहते हैं धैर्यशाली नीचा आशित और धैर्यशालिनी थी वह अल्प उम्र में भी वह अल्प उम्र में ही विविधासु विद्यासु पारंगता विविध विद्याओं में पारंगत थी चतुरमति ही अच्छी चतुर बुद्धि वाली थी धैर्यशाली धैर्य धारण करके काम करने वाली थी ऐसा नहीं है कि भाई हड़बड़ाहट हड़ में कोई भी काम कर ले अतया नव अब उसकी नौका मिला की ओर जा रही थी ना प्रस्थे था आशीष जा रही थी अब तया नौकया उसके द्वारा नौकया नद्या प्रायाणम आरब्धम उसके द्वारा नौका से नौ तया नौकया उसकी नौका से नदी नद्या प्रयाणम आरब्धम तो अब क्या हुआ कि तया कया अब देखिए दोनों में ही तृतीय विभक्ति लगी है तो यहाँ से या के द्वारा का अर्थ निकलेगा यानी उस नौका से तया नौकया उस नौका से नद्याह यानी नदी में अब नदी का की के अब नद्याह जो शब्द है या तो पंचमी का हो सकता है या षष्ठी का हो सकता है क्योंकि इसमें ही भाई जो यह लगा जाता है नदी शब्द में वो कहाँ आता है या तो पंचमी का या षष्ठी का तो यहाँ पे हम या तो सी का अर्थ भी निकाल सकते हैं या काकी की का अर्थ निकाल सकते हैं तो हम कहेंगे नदी का प्रयाणम आरब्धम नदी को या नदी का पार करना नदी को पार करना आरंभ किया ठीक है यानी उन उनके द्वारा क्या हुआ उनके द्वारा नौका से उनके द्वारा उसके द्वारा अब ये तया शब्द किसके जो लड़की है उसके लिए भी आ सकता है कि तया उसके द्वारा नौका से नदी का प्रायणम यानी जाना शुरू किया आरब्ध हम शुरू हो गया उसका नौकायाम अन्य अभी भव आसन नौका में अन्य और भी लोग बहुत सारे बैठे थे यदा जब नौका जब नौका नद्या नदी के मध्य भाग में आगत जब नदी के मध्य भाग में आगता आ गई तदा तब तस्या नद्या उस नदी के अपरस्मात भागात अपरस्मात भागात भाग यानी दूसरे भाग से अपर यानी दूसरा भाग यानी हिस्से उस नदी के अपरस्मात भागात दूसरे भाग से भीत्या भीत्या त्वर्याचा यानी डरे हुए और घबराते हुए तेजी से घबराते हुए जले जल में तरन्तु आग तैरते हुए आते हुए कौचित दृष्ट कोई कोई दो लोग दिखाई दिए क्योंकि अब यहाँ पे सभी में क्या लिखा हुआ है दो, दो लोगों के। दोनों लोगों के। तरंतव, सब द्विवचन का रूप बता रहे हैं अर्थात इसका मतलब निकला कि यहाँ कह रहे हैं यदा नौका जब नौका नद्या नदी के मध्य भागम आगता जब मध्य भाग में आ जाती है तदा तदा तब तस्याह नद्या उस नदी के अपरस्मात भागात दूसरे भाग से भीत्या चा त्वर्या डरे हुए और बहुत हड़बड़ाहट हर में जल्दी जल्दी में जले तरंतो जली जल में तैरते हुए आगच्छन तैरकर तो, आते हुए कौचित कौचित दृष्ट तो, कोई दो लोग दिखाई दिए नद्याम कश्चन नदी में को कश्चन यानी कोई मकरा मगर तऊ तो, उन दोनों को तव अनुधावन आगच्छन आसीत उन दोनों का अनुधावन यानी पीछा करते हुए आ रहा था क्योंकि कह रहे हैं नदी में क्यों वे लोग ऐसे भागकर आ रहे थे डरे डर डरकर डर छटपटाकर के क्यों तैरते हुए आ रहे थे क्योंकि नदियां नदी में कश्चन मकरा कोई मगर तौ तो उन दोनों के अनुधावन यानी धावन यानी दौड़ना अनु यानी पीछे पीछे दौड़ उनके पीछे दौड़ता हुआ आगच्छन आ रहा आसीत यानी था आ रहा था सर्वे सर्वेसामुखी सभी के मुख पर भयक भयस्य आतंकस्य च छाया दृश्यते इस्म सभी के मुख पर आतंक की छाया भय और आतंक की छाया दिखाई दे रही थी भाई डर भी लगता है और आतंक भी हो जाते अचानक से ये क्या हो गया और मगर से तो भाई सबको ही डर लगता है ठीक है बालाया मुखे अभी भीते है आ, भीते है आसी बाला बाला भी बालाया यानी बालिका के क्यों बालाया ष्टी विभक्ति है जो कह रहे हैं बाला के मुखे मुख पर अभी भी आसित उसके मुख पर भी डर था लेकिन तस्या भीत्या कारण लेकिन उसके डर का कारण न तू तो न स्विषयक चिंता उसके डर का जो कारण था स्व चिंता अपने विषय की बारे अपने बारे में चिंता नहीं थी उसके मन में जो डर था वो अपने विषय में नहीं था उसके खुद स्वयं के विषय में था अपितु जबकि तू तो तयोह रक्षणम उन दोनों के रक्षण कथम सियात कैसी कैसे हो इतिए हो इसके लिए था उसका जो डर था तस्या भीतना कारणम उसका जो डर का कारण था ना तो चिंता अपने स्वयं के विषय में चिंता नहीं थी उसका डर का कारण कि मेरा क्या होगा मगर आ गया तो लेकिन उसका तो उन दोनों तय रक्षणम कथम से उन दोनों का रक्षण कैसे हो इतिये ऐसा सोचकर उसके मन में चिंता थी तयो कृदनम श्रु श्रुत्वा श्रुतवत्या यानी उन दोनों के कृदन्नम क्रंदनम किसको कहते हैं क्रंदन कहते हैं रूना क्रंदनम यानी रोने को श्रुतवत्या सुन करके तस्या बाल्या उस बाला, बाला के उस लड़की के मनह दयाम अवत उन लोग उन दोनों के तयोग यानी उन दोनों के क्योंकि यहाँ पे योग लगा है षष्ठी विभक्ति है तो इसमें काकी के कार्थ जुड़ जाएगा कि उन दोनों के क्रंदनम क्रंदन यानी रोने को श्रुतवत्या सुनकर के श्रुतवत्या तस्या हवालिया सुनती हुई उस बालिका के मन में दयाम अवत दया आ गई तऊ तो रक्षण की ऐसा संकल्प, संकल्प करके उन दोनों का रक्षणीय उनकी रक्षा की जानी चाहिए ठीक है रक्ष धातु अनियर प्रत्यय तो चाहिए आ गया तऊ तो वे दोनों रक्षणीय वे दोनों रक्षा की जानी चाहिए उन दोनों की रक्षा की जानी चाहिए रक्षा कर ही करनी ही चाहिए इति संकल्प ऐसा संकल्प करके यप लकार लगा है सुकर और करके का अर्थ निकाला निय लगा हुआ था अनियर प्रत्यय सो हमने चाहिए का अर्थ लगा लिया ऐसे अर्थ हमें कैसे स्पष्ट होता है जब हम प्रत्ययों को देख लेते हैं विभक्तियों को देख लेते हैं यहाँ पे हमने कहा कि का, का क्यों बोल दिया क्योंकि हमें हमने कहा कि यो कहाँ आता है षष्ठी सप्तमी के द्वचन में आता है इसलिए इसमें अर्थ तथ का तत् का तय बन है यानी वह हमारा जब हम उसको हिंदी में पढ़ते हैं तो हम वह का वह की वह के नहीं कहते हैं हम उसका उनका उनको उन और उसका प्रयोग करने लगते हैं तो यहाँ दो ही वचन थे इसलिए हमने कह दिया कि उन दोनों का ठीक है तो ऐसे ही हमने अर्थ निकाला तऊ रक्षणीय एव इति संकल्पे उन दोनों की रक्षा की जानी चाहिए ऐसा संकल्प करके सा पितरम अपश्यत वह पिता की ओर देखती है ततः तीन निवारिता उसके बाद उसके बाद तीन उस उससे उन्हें या अब देखिए तीन जो शब्द है तथा की तृतीय विभक्ति से आया है ठीक है तो यहाँ पे हम कहेंगे ये जो तीन शब्द है वो आया किसके लिए है ये हमें देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे सह पित्रम अपश्यत पिता को देखती है और फिर इसके बाद अगर यहाँ पे ये यह लड़की के लिए आ रहा होता तो यहाँ पे तया लिखा हुआ होता ठीक है क्या होता तया होता लेकिन यहाँ पे अब ये पिता के लिए बात हो रही है इसीलिए यहाँ पे तीन आया है यानी उन उनको निवारित हटाती हुई और उनको भी हटाते हुए स जले कूर्दितवती वह जल में कूद जाती है वह उन्हें निवारित उन्हें हटाती हुई उन्हें हटा करके उन्हें हटा करके कहाँ जल में कूद जाती है मीना एवे तरंती और मछली की तरह तैरती है सा और वह उन दोनों को उन दोनों के क्या करती है हस्तो दृढ़तया ग्रहित हा, दोनों हाथों को दृढ़ता से ग्रहण करके नौकाम प्रति आनीतवती नौका की ओर आ जाती है इमाम घटना ये जो घटना है दृष्टवा देख करके सर्वे अपनी आश्चर्य स्तब्ध अवन सभी आश्चर्य से स्तब्ध रह गए तस्याह पिता अपी और उनके पिता और उसके जो पिता थे वे भी ताम अभिनंदित वाले उसको बहुत शाबाशी दी उसका अभिनंदन किया उसको प्रशंसा की उसकी तस्या तस्याचाह बहुधा अश्लाघा था यानी उसकी जो साहस कैसा था बहुत ही प्रशंसनीय था ठीक है अब चलिए यहाँ पे ये अब हम देख लेते हैं उत्तर को अब अभी गद्यांश हमने पढ़ लिया ठीक है अब गद्यांश को पढ़ते में हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप गद्यांश को पढ़ें तो हो सकता है कई ऐसे शब्द आ सकते हैं बीच में जिनकी आप समझ ना पाए कि भाई इसका क्या अर्थ होना चाहिए क्या उत्तर होना चाहिए तब भी आप गद्यांश का अर्थ लगाने की कोशिश कीजिएगा ठीक है ना इसके बाद फिर आते हैं हम प्रश्न उत्तर पर वैसे तो देखिए अगर जब हमें शब्द रूप आते हैं विभक्ति आती है तो तो फिर अर्थ बिल्कुल सही स्पष्ट हो जाता है प्रत्यय हमने पढ़े हैं तब भी अर्थ स्पष्ट हो जाएगा है ना लेकिन कई बार हो जाता है कि शब्दों के हमें नहीं हो पता शब्दों के रूप के भाई इसमें कौन सी के हिसाब से कौन सा चिन्ह आना चाहिए तो इसी के लिए हम कहते हैं कि उनको पहले पढ़िए पढ़ने से अर्थ आता है समझ में आने लगता है क्योंकि भाई हमें छठवीं से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इतना तो हमें समझ में आने लगेगा अब चलते हैं पहला प्रश्न देखेंगे कि पिता अपनी बालिका में किम कृतमान पिता भी बालिका को क्या करते हैं पिता ने बालिका को क्या किया बताइए तो हम कहेंगे अभिनंदित कहाँ से दिखा यहाँ पे ये लिखा है पिता अपी ताम पिता ने भी उनको क्या किया अभिनंदित मान उसको अभिनंदित किया ठीक है उसकी प्रशंसा की केशामुके मुखे भया से आतंक से छाया दृश्य थे इसमें किसके मुख पर भय और आतंकी की छाया दिखाई दे रही थी अब पहला देखिए पहले प्रश्न क्या लिखा है एक पद उत्तर एक एक पद में उत्तर देना है लिखा है केवलम प्रश्न द्वयम केवल दो प्रश्नों का उत्तर देना है ठीक है इसमें अब हमें मिले कितने हैं हमें एक पद के तीन मिलेंगे लेकिन दो ही करना है जो हमें सबसे अच्छे आ रहे हो एक पद का उत्तर देते समय एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा तो आपको अर्थ सही मिल जाएगा कैसे अब यहाँ पे देखिए जैसे हमारा प्रश्न पहला बना था पिता अपि बालिका किम कृतवान अब जबकि क्या किया ठीक है क्या किया पिता ने बालिका को क्या किया तो यहाँ पे जो उत्तर मिलेगा जैसा प्रश्न जिस प्रत्यय युक्त होगा जिस विभक्ति युक्त होगा प्रश्न जैसा होगा उत्तर हमें वैसा ही अपने गद्यांश में मिल जाएगा क्योंकि तो एक पद में हमें इसलिए ध्यान से देखने की जरूरत होती है क्योंकि उत्तर केवल एक पद में ही देना है पद का अर्थ होता है विभक्ति युक्त शब्द यानी राम शब्द है तो राम विभक्ति है यानी जब राम में विभक्ति के अनुसार जब उसके रूप बन जाते हैं राम राम रामम रामान रामेण राम अभ्याम रामाभ्याम राम रामायमाभ्याम इस प्रकार से जब रूप बन जाते हैं एक शब्द शब्द तो राम था लेकिन उसमें विभक्ति यानी जो हमारे सुप प्रत्यय होते हैं वो जुड़ जाने से राम के जो रूप परिवर्तित हुए हैं वो हमारे क्या हो गए पद हो गए अब राम शब्द नहीं रह गया राम पद बन गया तो जब उत्तर भी कह रहे हैं कि एक शब्द में नहीं देना एक पद में देना है तो अर्थात उत्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें सही विभक्ति लगी हो और उस विभक्ति की पहचान हमें प्रश्नवाचक शब्द बता देता है जो प्रश्न में लिखा हुआ होता है प्रश्न में लिखा हुआ देखिए कृतवान लगा हुआ था तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो उत्तर हमें गद्यांश में मिलेगा इसी प्रकार की जो बात हो रही होगी इसी प्रकार की जो पंक्ति होगी वैसे ही प्रत्यय वाला होगा तो देखिए अभिनंदित वान मिल जाके पिता अपी पिता ने भी ताम यानी अब ताम है ये किसके लिए है बालिका के लिए क्यों तम होता है तो हम समझ जाते कि, कि पुरलिंगवाची शब्द के लिए द्वितीय विभक्ति का शब्द लिखा हुआ है और ताम लिखा है तो इससे हमने समझ लिया कि भाई ये स्त्रीलिंग का है तथ के शब्द रूप हमने कब से पढ़ाए हैं छठवीं से पढ़ाए हैं आप लोगों को ठीक है ना छठवीं कक्षा से भी देखेंगे तो तथ के शब्द रूप तब से करवाते चले आ रहे हैं ताम यानी उसको यानी बालिका को तो प्रश्न भी तो हमसे यही कह रहा था कि के पिता भी बालिका को क्या करते हैं तो बालिका देखिए बालिका में द्वितीय अभिभक्ति तम द्वितीय अभिभक्ति फिर इसके बाद हमें कौन सा शब्द मिल रहा है हमें कौन सा पद मिल रहा है हमें अभिनंदित वान मिल रहा है तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा ठीक है ऐसे एक पद हमें सही मिल जाता है अब यहाँ देखिए देखिए हमने पढ़ा कि केशाम मुखे भय से आतंक से छाया दृश्यंती इसमें किन के की मुख पर भय और आतंक की छाया दिखाई दे रही थी तो केशाम से जरा पूछ लीजिए भाई कहाँ से आए हो किन के शब्द रूपों से आए हैं कहाँ से आए हैं के शब्द रूपों से कौन सी विभक्ति लगी है षष्ठी का बहुवचन लगा है तो हमें या उस वा, वाक्य के पास पहुंचना है जहाँ पर ये घटना हो रही है और उसमें उसके पास में हम देखेंगे कि षष्ठी के बहुवचन का हमें कौन सा उत्तर मिल रहा है तो हम आ जाते हैं यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर मुखे भयस्य च छाया दृश्यते इस्म तो इसके पीछे मत दौड़ना आगे की ओर देखना तो आगे की ओर ये मिल गया के बहुचन का उत्तर। इस प्रकार से हमें अपने एक पद के उत्तर मिल जाएंगे ठीक है ना कैसे हमारा सही उत्तर होगा हम अब जब प्रश्नवाचक शब्द को पहचान लेंगे अब कुत्र लिखा हुआ है कुत्र का अर्थ होता है कहाँ अब ध्यान कीजिएगा कि यहाँ तो चलिए अभी हम बता ही रहे हैं यानी कीजिएगा कि कहाँ का जब भी उत्तर आएगा वो सप्तमी विभक्ति युक्त तो होता है कैसा होता है सप्तमी विभक्ति क्योंकि कुत्र का अर्थ होता है कहाँ और कहाँ जब आपसे पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पे है कि आप किसी ना किसी स्थान की बात करेंगे किसकी बात करेंगे स्थान की बात करेंगे स्थान क्या बनता है हमारा आधार बनता है और आधारो अधिकरण आधार को अधिकरण कहा जाता है कारक कहा जाता है वो और अधिकरण सप्तमी और अधिकरण में ही सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है तो इसीलिए कुत्र का जब भी आपको उत्तर ढूंढना हो तो सप्तमी विभक्ति युक्त तो शब्द ढूंढ लेना आपको मिल जाएगा बस एक कंडीशन है कि कभी कभी कुत्र के स्थान पर कुत्र के स्थान पर हमें द्वितीय विभक्ति का भी शब्द मिल जाता है ठीक है द्वितीय विभक्ति का मिल जाता है जैसे अब हमने यहां पे आपसे कहा कि राम हाँ एक उदाहरण दे रहे हैं राम हाँ वनम अगच्छत कि राम वन गए ठीक है राम वन गए अब हमने इसी को प्रश्न बनाने के लिए हमने बन लिख दिया कि राम हाँ कुत्र अगच्छत राम कहाँ गए ठीक है ये प्रश्न बन गया अब कुत्र के स्थान पे आप कहेंगे कि मैम ने बताया था कि हमें कुत्र के स्थान पे सप्तमी विभक्ति युक्त तो शब्द मिलेगा और आप देख लेंगे कि यहाँ पे राम के साथ में जाने की क्रिया में तो वनम लिखा हुआ है वनी तो लिखा नहीं है तो आप सोचेंगे कि क्या ये गलत है या फिर इसको हम सप्तमी बना के आ जाए ध्यान कीजिएगा स्थान के बाद में किसी स्थान के बाद में यानी अब जाने राम कहाँ जा रहे हैं वन जा रहे हैं वन एक स्थान है कि नहीं है उसके बाद में अगर जाने की क्रिया हो रही होगी ठीक है जाने की क्रिया होती है तो जहाँ जिस स्थान पर जाया जाता है उस स्थान को सप्तमी में ना बना के उसको द्वितीय में बनाते हैं क्यों मनाते हैं गत्यर्थ द्वितीय सूत्र से गत्यर्थ द्वितीय यानी कि जाने के अर्थ में द्वितीय विभक्ति लगा दी जाती है जिस स्थान पर जाया जाता है उस स्थान को द्वितिया विभक्ति में बनाया जाता है तो ये कहानी हमने क्यों सुनाई ये इसलिए सुनाई कि कुत्र का जो उत्तर आप ढूंढेंगे सप्तमी विभक्ति युक्त तो ढूंढेंगे लेकिन कभी कभी जब किसी स्थान के बाद में अगर आने जाने की क्रिया हो रही हो और याद रखिएगा कि वो स्थान में अगर द्वितीय लगी हो तो वो भी कुत्र का हमारा उत्तर बन जाता है अर्थात तो कुत्र के लिए कभी आपको द्वितीय विभक्ति युक्त तो शब्द भी मिल सकता है लेकिन ये ध्यान कीजिएगा कि उस द्वितीय के बाद बाद में जाने आने की गम गच्छ आगम आगच्छ ऐसी कोई क्रिया तो नहीं हो रही है अगर ऐसी क्रिया हो रही हो द्वितीया लगा हुआ है तो वो उत्तर द्वितीया वाला भी कुत्र के स्थान पर आ जाएगा नहीं तो हर जगह तो सप्तमी का उत्तर मिलेगा ही ठीक है इतना ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीजों का तो लिखा है कुत्र अन्यपि बहुवा आसन कहां अन्य और सभी लोग लो भी बैठे हुए थे तो हम उसी जगह पे पहुंचेंगे जहां अब लिखा है अन्य अपी बहवा आसन और क्या दिया है कुत्र कुत्र के स्थान पर हमें क्या चाहिए सप्तमी विभक्ति युक्त तो नौ का नौका यानी नौ और याम कहाँ आता है वो लिख सप्तमी विभक्ति में यही बन गया कश्यम भी लिखा हुआ हो सकता है कश्याम अन्य बहवा आसन किसमें सब लोग अन्य सभी लोग बैठे हुए थे तो आप यहाँ पे नौकायाम कर देंगे कुत्र लिखा है तब भी नौकायाम दोनों का ही हमें सप्तमी विभक्ति युक्त उत्तर मिल गया ठीक है ऐसे आपके उत्तर मिल जाएंगे चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे लिखा है पूर्ण न उत्तर केवल प्रश्न द्वयम पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है लेकिन केवल दो प्रश्न के अब लिखा है बाला की दृषि आसित बाल का कैसी थी बालिका कैसी थी तो अब हम बालिका की विशेषता बता देंगे कहाँ से कहाँ तक थी कि सा यानी बाला अब ये किसके लिए आई है बालिका की बात हो रही है तो सा तो यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि बाला यहाँ ये यह पहली बार लिख दिया गया था संज्ञा लिख दी गई थी इसलिए सर्वनाम दूसरी पंक्ति में लिख देते हैं हम कहते हैं कि राम बहुत अच्छा लड़का एक यह राम है ये बहुत अच्छा लड़का अब राम बहुत अच्छा लड़का है राम बाजार जाता है राम माता पिता की सेवा करता है राम विद्यालय जाता है बार बार राम कहने की जगह अगर हम कह दें कि राम है यह बहुत अच्छा लड़का है वह हमेशा सेवा करता है वह हमेशा माता पिता की आज्ञा तो बार बार किसी नाम को बार बार लेने की जगह पे हम एक बार उसका नाम लेके उसकी जगह पे जो पद प्रयुक्त कर लेते हैं वो सर्वनाम होते हैं और यही एक व्याकरण का नियम होता है इससे वाक्य सुंदर दिखते हैं बार बार किसी शब्द शब्द की पुनरावृत्ति भी सही नहीं होती है तो यहाँ पर हमने कहा बाला यानी लड़की की बात हो रही थी और यहाँ पे फिर उसके बारे में बता दिया गया कि सा अल्पे ए वयसी विधासु विधा विद्यासु पारंगता चतुर्मति ही च आसीत तो इस प्रकार से ये आपके उत्तर में सारे आप उसकी विशेषताएँ लिख देंगे कि वो कैसी थी वो ऐसी थी ठीक है तो अब सा की जगह पे अगर आप तो अगर थोड़ा सा भी अगर ऐसा आपको समझ में आ रहा है आप कर सकते हैं परिवर्तन तो आप सा के स्थान पे यानी अब केवल सा की बात नहीं कर रहे हैं हम हमेशा की बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि, कि किसी चीज की आप विशेषता लिख रहे हो या उत्तर लिख रहे हो तो सा लिखा हुआ हो सह लिखा हुआ हो तो थोड़ा सा ढूंढने का प्रयास करना कि ये सह और सा आए किसके लिए है तो उनका नाम भी अगर लिख दोगे आप उत्तर में तो ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और अगर ना समझ में आए तो तो फिर पूरा लिख देना सो कोई दिक्कत नहीं ठीक है इसका एक और भी उत्तर बन सकता है कैसा बाला कैसी थी तो आप कहेंगे पंच पंच दस वर्षीय एक पद में होता तो तो आप केवल पंचदर्श पंच आप लिख सकते थे पंचदश वर्षीय भी लिख सकते थे तो भी ये उत्तर बन जाता कि पंद्रह साल की थी किस प्रकार की थी बोले कैसी थी बोले पंद्रह साल की थी ये भी तो उसी की विशेषता है ठीक है लेकिन अब पूर्ण वाक्य में है तो हम सारी विशेषताएं बता देंगे कि पंद्रह अल्प आयु की थी विविध विद्याओं में पारंगत थी चतुर्मति थी धैर्यशालिनी थी अगला प्रश्न है तऊ रक्षणियों उन दोनों की रक्षा करनी चाहिए एव इति संकल्प बाला किम कृतवती उन दोनों की रक्षा करनी चाहिए ऐसा संकल्प करके बाला क्या करती है लड़की क्या करती है तो पहुंच जाइए अपने इस पर क्या लिखा हुआ है तऊ रक्षणियों एव इति कल्प्य सात अपश्यत तत तेन निवाता सा जल्दी कूर्द कूर्द सा तयो हस्त दृढ़ता गृहत्वा नौका ना। प्रति आनीतवती और यहाँ से यहाँ तक आपका ये उत्तर पूर्ण वाक्य में बन जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं यदा नौकिया नदिया मध्यभागे आगता तदा तिम, तद, तदा किम अवत जब नौका जब नौका कब वहाँ की नदी की मध्य भाग में आ जाती है तब क्या हुआ तो यहाँ से ले लीजिए आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है आपका गद्यांश तो है यदा नौका नद्या मध्य भाग में आ गता तदा तस्या नद्या अपरस्मात भागत भीत्या त्वरया जले तरंत आगछंत काचित दृष्ट कोई दो व्यक्ति दिखाई दिए ठीक है और उसके पीछे ये भी लिख सकते हो नद्याम कश्चन मकरह तव अनु धावन आगच्छंदम आसीत और उन दोनों के पीछे दो क्या उन दोनों उन दोनों के पीछे कोई मगर भी उनका पीछा कर रहा था पीछा करते हुए आ रहा था ठीक है चलिए अब इसके बाद इसी का एक प्रश्न कैसे बनता है एक देखिए ये अपटित गद्यांश से चार प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एक पद वाले होते हैं क्योंकि भाई कितने नंबर का दस नंबर का मिलना है एक पद इन उत्तर मिल जाएंगे आपके एक पद के द्वारा उत्तर देना पूर्ण वाक्य वाक्यन उत्तर मिल जाएंगे यानी पूर्ण वाक्य के द्वारा आपको उत्तर देना है इसमें फिर इसके बाद आ जाएगा आपका शीर्षक शीर्षक लेखन ठीक है शीर्षक आ जाता है और फिर आ जाता है आपके यथा निर्देशित कार्य आ जाते हैं जो एक, एक प्रकार के क्या होते हैं भाषिक कार्य होते हैं भाषिक कार्य में आपसे विशेषण विशेषी पूछ लिया जाएगा आपसे विलोम पूछ लिए जाएंगे समानार्थक पूछ लिए जाते हैं अव्यय पूछ लिए जाते हैं कर्ता क्रिया पूछ ली जाती है तो चार प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो हमने एक पद वाला देख लिया पूर्णवाक्य वाला देख लिया अब इसके बाद आ गए अस्य अनुच्छेद से समुचित शीर्षक लिखत अब इसके लिए आपको क्या करना है शीर्षक लिखना है शीर्षक में किसकी बारे में बाले बालिका की बारे में बात हो रही थी तो बालिका कैसी थी तो अब आप धैर्यशाली न्यूज़ की जो विशेषताएं थी उसमें से एक उठा के बाला के सांग में लगा के और उसका बना दीजिए शीर्षक धैर्यशालिनी बाला साहसिनी बाला दया हृदय बाला अथवा अन्यत किमपि उचित और भी जो तो आपको ठीक लगे वो भी आप लिख सकते हो ठीक है चलिए अब चलते हैं हम इसके भाषिक कार्य में यथा निर्देश नम उत्तरत इसमें यथानिर्देश या यानी जैसा निर्देश दिया जाए वैसा आप उत्तर दीजिए जो कि होते हैं भाषिक भाषा से जुड़े हुए कार्य जैसे लिखा है निश्चित इति पदस्य पर्याय पर्याय गद्यांशात चित्वा लिखत निश्चित यानी निश्चय करके इस पद का पर्याय आप गद्यांश से, से चुनकर लिखिए तो निश्चित या संकल्प निश्चय करके या संकल्प करके तो ये समानार्थक बन रहा है कहाँ लिखा हुआ है गद्यांश में ही लिखा हुआ है संकल्प्य यानी निश्चय करके निश्चय करना संकल्प करना ठीक है एक ही बात होती है तो ये पर्याय हो गया अब आगे हमारा प्रश्न कहते हैं श्रुतवत्या है विशेषण पद से विशेष्य पदम किम बत्या इस पद का बताइए विशेष्य कौन सा है तो अब विशेषण विशेष वाली बात आ गई तो जो शब्द आया था किसके लिए आया था तस्या के लिए या बालाया के लिए तो विशेषण है ये दोनों मूल नाम कहाँ है नाम होता है विशेष्य ध्यान कीजिएगा विशेषण क्या होती है भाई विशेषताएं है होती हैं लेकिन हम कैसे पहचान करेंगे विशेष कौन सा है तो हमें संज्ञा पद जो देखेगा नाम जो दिखेगा भाई श्रुतवत्या कोई नाम नहीं होता तस्या तत् शब्द से बनता है ये श्रु धातु से बनता है ये कोई नाम नहीं हो रहे हैं लेकिन बाला तो एक जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं है नाम है कि नहीं नाम है तो ये बाला या हर शब्द की दोनों ने विशेषता बताई क्योंकि देखो तीन शब्दों में समान विभक्ति लगी हुई थी श्रुतवत्या तस्या बालाया तीनों में ष्ठी विभक्ति है लेकिन इनमें से सही कौन है कौन किसकी विशेषता बता रहा है तो संज्ञा विशेष एक ही होता है विशेषताएं कई हो सकती है लेकिन विशेष एक ही होगा तो कौन होगा जो नाम होगा नाम कौन है बाला लड़की ठीक है तो वो हो गया विशेष और बाकी सभी हो गई उसकी विशेषताएँ ठीक है ऐसे आप विशेषण और विशेष ढूंढेंगे अब लिखा है निर्भीकतायाद से विलोम पदम लिखत गद्यांश से चुन करके निर्भीकताया निर्भीकता से इस पद का विलोम पद आपको क्या करना है निर्भीकता से यानी बिना भय से तो ए, उसके उल्टे क्या लगे थे भीत्या यानी डर करके ठीक है नहीं कैसा कह रहे हैं निर्भीकताया निर्भीकता से तो डर से

इसका कर्ता बन जाएगा तो आप कहेंगे पारंगता भी तो हमें दिख रहा है कि जैसे ये तो भाई न, क्या विभक्ति युक्त है लेकिन पारंगता क्या किसी का नाम है क्या नहीं है तो बोले पारंगत तो एक विशेषता है हो रही वो इसकी तो तो किसमें है बोले इसमें भी है सा में भी है तो सा हमारा क्या हुआ वह तो संज्ञा और सर्वनाम ये दोनों ही क्या बन जाते हैं कर्ता बन जाते हैं कि लड़की खेल रही है या कहते हैं वह खेल रही है खेलने वाली तो वह है ना वह चाहे उसको हम नाम से बुला दें सीता मीता सीता गीता रीना माला जो भी कह दें या फिर कह दें वो खेल रही है तो वह शब्द भी क्या बन जाता है कर्ता बन जाता है तो इसलिए सा हमारा पद बन जाएगा चलिए अब चलते हैं हम अपने रचनात्मक कार्य पर अब रचनात्मक कार्य में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें करना क्या है प्रश्न लिखा हुआ है भवताम विद्यालय यानी आपके विद्यालय में संस्कृत विभाग संस्कृत विभाग के द्वारा दस दिवसीय दस दिवस दस यानी दस दिन का दिवसीय यानी दस दिन का एकम संस्कृत संभाषण शिविर आयोज्यते यानी एक संस्कृत संभाषण शिविर आयोजित होना है ठीक है हो रहा है या होगा क्योंकि भविष्यते क्योंकि आयोज्य हमारी कौन सी बात हो रही है भविष्य काल की बात हो रही है क्षति क्षतः शांति दिख जाए समझ जाए भविष्य काल की बात आयोज्य यानी आयोजित तो होगा अब संस्कृत संभाषणे संस्कृत संभाषण में नैपुण्य यानी निपुणता को प्राप्त प्राप्त करने के लिए इक्षतः छात्रा इच्छित जो छात्र हैं जो संस्कृत बोलने में क्या निपुणता चाहते हैं ऐसे छात्र अध्यापकाश्च च और अध्यापक यथा यथासमय यथा समय पर पंजीकरण कार्यंतु यथा समय पंजीकरण कर लें इति ऐसा एक तद विषय इस विषय अधिकृत्य इस विषय पर आपको का सूचना संस्कृति लिखा था। अब देखिए यहाँ पर इस साल आपके जो सिलेबस में एक सूचना लेखन और विज्ञापन लेखन दो चीज़ें जोड़ दी गई हैं अभी से पहले तक नहीं पूछी गई लेकिन ये दो चीज़ें नई जोड़ी गई हैं इसमें आपको किस प्रकार से करना है कि आपको छात्रा है संस्कृत भाषा है सूचना लेखी आपको क्या करना है सूचना लिखना है ठीक है और उसमें आपको जो आप विषय का प्रतिपादन करेंगे उसके ढाई अंक मिलेंगे आपको कि आप विषय का प्रतिपादन कैसे कर रहे हैं यानी विषय को आप किस ढंग से सही से बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं और वाक्य वाक्य शुद्धि अर्थ हम ढाई अंक यानी आपके मिलेंगे यानी दिए जाएंगे ढाई अंक आपको दिए जाएंगे आपके फॉर्मेटिंग के लिए कि विषय का प्रतिपादन आप कितने अच्छे से कर रहे हैं और ढाई अंक आपकी वाक्य की शुद्धियों के लिए मिलेंगे सूचना लिखने के लिए अब ये तो सैंपल पेपर में है तो एक सूचना चली हम अभी लिख के बता देंगे आपको लेकिन आपको पेपर में तो कोई भी सूचना आ सकती है उसको आप कैसे लिखेंगे उसका प्रारूप समझ लीजिए सूचना यानी नोटिस आपने सबने विद्यालय में देखा होगा जब आप अपने स्कूल जाते हो कुछ ना कुछ एक नोटिस बोर्ड होता है उस पर एक कोई ज़रूरी बच्चों को फीस का रिमाइंडर देना हो भाई या फिर कोई प्रतियोगिता हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो उसके लिए क्या लिख देते हैं यहाँ पे भाई इंग्लिश में लिख देते हैं नोटिस नोटिस होता है बीच में लिखा जाता है भाई लिखने का ये क्या लिख इसका मतलब क्या है कि विषय का प्रतिपादन आप विषय को कितने सही ढंग से बता पा रहे हो ये भी चीज़ देखी जाएगी तो नोटिस जब आप लिखने जा रहे हो चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो या फिर संस्कृत में हो तो आप मान लीजिए कि आप इस तरह से एक अपना चाहे तो आयताकार या फिर अपना वर्गाकार कैसा भी आप एक बॉक्स जैसा बना दीजिए एक ठीक है अब इसके बाद उसमें आप लिख दीजिए सूचना सूचना लिखा ठीक है फिर इसके बाद थोड़ा सा ऐसा नहीं कि उसी लाइन में लिखना शुरू कर दीजिए थोड़ा सा नीचे से आप उसका अपना विषय लिखना शुरू कीजिए जो कि की विषय हमें यही बता देगा कि क्या हो रहा है संस्कृत विभाग के द्वारा अब यहां पे जहां पे भवताम लिखा हुआ है इसका अर्थ निकल रहा है आपकी विद्यालय में तो आप कह सकते हैं कि हमारे विद्यालय में ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में तो भवता में यानी आपकी जगह पे आप लिख सकते हैं अस्माकम विद्यालय अब चाहे विद्यालय में संस्कृत की प्रतियोगिता हो रही हो निबंध लेखन प्रतियोगिता हो रही हो या फिर आपकी खेलकूद की क्रीडा प्रतियोगिता हो रही हो कोई किसी भी चीज का आयोजन हो रहा हो उसकी सूचना लिखनी हो तो आप इस प्रकार से लिख देंगे अस्माकम विद्यालय यानी हमारे विद्यालय में संस्कृत विभाग इन संस्कृत विभाग के द्वारा दस दिवसीय भाई हमें प्रारूप यही दे रहा है आपको वाक्य में ज्यादा आपको एक दो लाइन अपनी तरफ से लिखना पड़ेंगी बाकी यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा नई चीज है तो कम से कम इतनी वो तो दे देते हैं कि पंक्तियां जिससे कि आपको बनाने का क्या मिल जाए आपको एक प्रारूप समझ में आए कि आप सही तरह से लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं ठीक है तो आपने सूचना लिखना शुरू किया तो यहाँ से आपने शुरू किया कि अस्माकम विद्यालय संस्कृत विभाग हमारे भिव... संस्कृत विभाग के द्वारा दस दिवसीय एक संस्कृत संभाषण शिविर आयोजित हो रहा है अब इसमें आप अपनी तरफ से जोड़ क्या सकते हैं अब सीधी की सीधी तो हमें नकल नहीं करनी है कुछ तो अपनी भी अकल लगानी है अपनी अकल कैसे लगाएंगे अपनी बुद्धि कैसे लगाएंगे इसमें आप क्योंकि दस दिन का हो रहा है तो दस दिन के लिए आप कोई भी तारीख चुन लीजिए कोई भी तारीख चुन लीजिए उस से दस दिन की की तारीख तक का आप एक बता दीजिए कि इस इस माह की एक माह भी अपने आप से जोड़ दीजिए क्योंकि आप सूचना लिख रहे हैं तो इसमें सूचना में उनने कह दिया कि दस दिवस दिवस का एक संस्कृत संभाषण का शिविर लगाया जा रहा है तो जरूरी ये भी निश्चित बात है कि किसी महीने में लगा दिया जा रहा हो कोई तो महीना होगा जब वो शिविर का आयोजन होगा कोई तो तारीख होगी तो वो महीना और तारीख हम अपने हिसाब से लगा देंगे जून मास जुलाई मास यानी जुलाई मास के जून मास के काकी के कार्थ लगाना है तो ष्ठी लगा दीजिए हमने अगस्त मास अगस्त मास के अब कौन सी तारीख से हो रहा है तो आप उसको लिख देंगे कि प, इक्कीस या सात या आठ जो भी है उसको संख्या में लिख के दिनांक तह उसमें दिनांक में तह जरूर लगाएंगे जिसका अर्थ होता है से यानी आपको जैसे कहना है कि सात तारीख से कितने दिन का है दस दिन का तो सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह यानी सोलह तारीख तक चलेगा तो सात आपकी दिनांक हो गई तो आप उसको इस प्रकार से लिखेंगे दिनांक तह तह क्यों लगाएंगे जिसका अर्थ या तो तारीख यहाँ पे तारीखा शब्द का लिख लो तो या लिखो अब तारीखा नहीं लिखो तो दिनांक तह लिख दो सी निकल आएगा तहसील प्रत्यय से ती आता है तह आता है जो सी का अर्थ बता देता है कैसे लिखेंगे सात यानी सात जो दिनांक से तारीख आपकी कौन सी है सात उससे कहाँ तक सोलह सोलह दिनांक तक करना है तक को कैसे संस्कृत में दर्शाते हैं पर्यंत तक तो आप कहेंगे दिनांक दिनांक और दिनांक के साथ में ही आप पर्यंत शब्द को भी जोड़ दीजिए पर्यंत ठीक है यानी इसका अर्थ हुआ कि सात तारीख से सोलह तारीख तक ठीक है आयोजित अब यहां पे हम अपनी तारीख अपने हिसाब से जोड़ देंगे तो उसमें लगेगा भाई परीक्षा में जांच करने वाले को कि नहीं ये इस बच्चे ने अपने आप से भी तो कुछ जोड़ने की कोशिश की कि नहीं की तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखेंगे अच्छा सूचना लिखने के लिए हम और एक और शब्द क्या जोड़ देते हैं चलिए जैसे हमने कि ये तो एक प्रारूप बनाया है आपके लिए उसको हम अब कैसे बताते हैं कि अगर विद्यालय में कोई चीज़ होती है तो उसको क्या हर्ष के साथ में प्रकट करते हैं नई चीज कुछ अच्छी हो रही है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि सहर्षम यानी हर्ष के साथ खुशी के साथ में सूचित सूचित किया जाता है कि यथकार्थ क्या होता है कि सहर्षम सूचित यत ये तो आप अपने हिसाब से अपने साथ में आपको लिख ही लेना है और इतना लिखने के बाद में अपना जो प्रश्न हो उसमें से उसको उठा लेके लिख दीजिएगा उसमें तारीख अपने हिसाब से जोड़ दो समय अपने हिसाब से जोड़ दो है ना ये दो चार चीजें जब अपने हिसाब से जोड़ दोगे आप तो कहेंगे तो भाई नोटिस तो हमने से लिखा कहाँ से जो हमारे पास प्रश्न था लेकिन उसको हमने लिखने का तरीका दिखा दिया तो वह वाक्य की शुद्धि कर दी भाई दो तीन भी लाइन अगर अपने हिसाब से लिखी और वाक्य अगर शुद्ध है तो समझ जाएंगे कि नहीं इस बच्चे ने गलतियां नहीं की हैं इसको सही पूरे नंबर दे दो और आपको नंबर मिलेंगे अच्छे ठीक है ना तो सहर्षम सूचित यद हर्ष के साथ में सूचित किया जाता है कि अस्माक विद्यालय हमारे विद्यालय में संस्कृत विभागिन संस्कृत विभाग के द्वारा जुलाई मास जुलाई मास की अब क्योंकि संस्कृत विभाग से किया जा रहा है उसके द्वारा ही तो आयोजन किया जा रहा है जुलाई मास की इक्कीस दिनांक कात अब दिनांक का लिख दो चाहे दिनांक तह लिख दो आप दो चीजें लिख सकती हैं पूछिए क्यों आप कहेंगे क्यों इसका अलग अलग तो अर्थ नहीं है नहीं नहीं ये आत कहाँ से आता है पंचमी विभक्ति से और पंचमी विभक्ति अगर आपको किसी शब्द में समझ में ना आ रही हो तो तस्ल प्रत्यय का तह लगा दीजिए वो भी पंचमी विभक्ति का एक विकल्प होता है इसका अर्थ भी सी होता है और इसका अर्थ भी से होता है ठीक है जैसे पत्र में भी हमने सिखाया था कि हम कहते हैं दिल्ली तह या दिल्ली नगरात लिख दो या पंचमी लगा दो या दिल्ली में सीधा तह लगा दो तब भी अर्थ निकल आएगा कि दिल्ली से ऐसा इसका अर्थ निकल रहा है कि 21 दिनांक यानी 21 तारीख से दिन को दिनांक कौन सी है दिन का अंक कौन सा है 21 21 तारीख से 29 दिनांक पर्यंतम कितनी पर्यंत तक कहेंगे कौन सी 29 तारीख तक क्योंकि 10 दिवन का 10 दिवस का है ना इसीलिए दिन दिनांक का पर्यंतम एकम 10 दिवसियम संस्कृत संभाषण शिविरम आयोज्यति इसमें हमने कुछ नहीं किया हमने प्रश्न को ही उठाया प्रश्न में हमें ये थोड़ी सी जोड़ दी बात कि हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि ये चीज़ तो हर एक नोटिस में आपको मिलता है है ना तो ये चीज़ हमने अपने मन से जोड़ दी इसके बाद में यहाँ तक हमने कहाँ से अपने प्रश्न में से ही लिया इसके बाद हमने महीना और तारीख अपनी जोड़ दी अपनी तरफ से तो वाक्य पूरा हमने कॉपी भी करा लेकिन उसमें हमने परिवर्तन के साथ में उसको लिखा तो हमारा सही भी हो जाएगा गलत नहीं होगा एकम दिस दिवसीय संस्कृत संभाषणम शिविरम आयोजित अब इसके बाद अब शिविर लग रहा है या कोई कार्यक्रम हो रहा है कि कोई भी चीज़ होगी तो उसका समय होगा समय आप अपने हिसाब से बना दो तो हम कहेंगे शिविर का समय या फिर आप प्रतियोगिता का समय तो यहाँ पे देखिए शब्द है तो लगा दिया प्रतियोगिता अब प्रतियोगिता होता, होता में आपको काकी की का अर्थ लगाना था कि प्रतियोगिता का समय ठीक है तो काकी की के लिए क्या आप प्रतियोगिता से लिखेंगे का नहीं क्योंकि जो शिविर शब्द है वो कैसा है अकारांत है यानी से अंत होने वाला है इसलिए इसके बालक जैसे रूप बनाए गए तो इसमें लगा दिया स का की के अर्थ निकाल दिया लेकिन प्रतियोगिता है यानी बालिका रूप बनेगा तो बालिका में लगाने के लिए क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो ध्यान कीजिएगा कि हम प्रतियोगिता के बारे में लिख रहे हैं आयोजन के बारे में लिख रहे हैं तो आयोजन से लिखेंगे क्योंकि आयोजन हमारा कैसा है अकारांत शब्द है उसका समय बता रहे हैं तो आयोजन का समय तो आप कहेंगे आयोजन समय ठीक है शिविर से समय लेकिन प्रतियोगिता है तो आप कहेंगे प्रतियोगिताया समय यानी प्रतियोगिता का समय कब है अब आप लिख दीजिए फिर इसमें वादन यानी क्या हो जाता है बजे का अर्थ हुआ क्या अर्थ हुआ बजे का ठीक अब यहां पे हम कहेंगे कि शाम के चार बजे से ठीक है शाम के कितने चार बजे से शायं छ वादन पर्यंतम यानी शाम के छ चार बजे से छ बजे तक तक के लिए हमें पर्यंतम लगाना है और हमें किसके लिए अब वादन वादने जो शब्द होता है आप कहेंगे बजी कहते हैं ठीक है थीके? यहां पे मूल शब्द क्या होता है वादन ठीक है अब बजने को दर्शाने के लिए कहते हैं ना कि छः बजे सात बजे आठ बजे लेकिन हम जब कहते हैं आठ बजे पर ये कार्यक्रम है नौ बजे पर ये कार्यक्रम है तो पर का अर्थ बताने के लिए वादन को वादने कह दिया जाता दिया है सप्तमी विभक्ति में लेकिन यहाँ हमें कहना है कि चार बजे से पंचमी लगानी है तो वही बात है या तो हम क्या कर दें पंचमी लगा दें या तसल प्रत्यय का तह लगा दें तब भी शिकार्थ निकल आएगा तो हम कह देंगे सायम के या प्रातः सुबह की बात है तो प्रातः लिख दीजिए अब अपने मन से लिखना है तो जो सरल लगे सो लिख देना शिविर का आयोजन है दो घंटे का भी शिविर लगाया जा रहा है दो दो घंटे आके संस्कृत का संभाषण होगा तो उसके लिए हम समय बताए दे रहे हैं कि या तो चाहे शाम की बात करना हो तो सायम लिख देना प्रातः लिखना हो तो सुबह का लिखना हो तो प्रातः लिख देना जो संख्या अपने हिसाब से लिखनी हो वो आप अपना नंबर बना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है छः वादन तह, यानी छः बजे से सायम छः बजे तक तो पर्यंतम भविष्यति होगा ठीक या रहेगा ठीक है अर्थ वही निकलेगा शिविर समय शिविर का समय साय चारदन तय अधन पर्यतम भविष्यति अब इसके बाद क्या लिखा था वहीं पे हमारे प्रश्न में ही था कि ये किस लिए हो रहा है उसका प्रयोजन उन्हें बताया दिया था कि संस्कृत संभाषणे नैपुण्यम प्राप्त इ्षंत छात्र निपुणता को प्राप्त करने वाले छात्र अध्यापक और अध्यापकाश्च और जो भी अध्यापक हैं वो यथा समय पंजीकरण कार्यंतु इति वो सभी यथा समय पंजीकरण करवा कर लें तो और अब इसके बाद स्वयं एक लगा दिए कि सर्वे यथा समय कृपया तत्र आग सभी यथा समय पर जो समय दिया हो कृपया वहां आ जाइएगा तो ये आप एक लाइन खुद याद रख लीजिए कि, कि किसी का आयोजन हो रहा हो प्रतियोगिता हो रही हो किसी के शिविर की बात हो रही हो तो आप इसमें एक ऐसी लाइन जोड़ देंगे कि सभी यथा समय पर वहां आ जाएं वहाँ यथा समय जो समय है उस पर पहुंच जाए ठीक है इस प्रकार से ये हमने अपनी सूचना को लिख दिया अब कब लिखा है अब जब 21 तारीख से हो रहा है तो उसके मान लीजिए कि एक आध हफ्ते पहले तो आप निकालोगे नोटिस कि नहीं निकलेगा है ना तो हमने 15 तारीख अपनी लगा दी यहाँ से अपने पाँच छः दिन पहले की ही तारीख लगाइएगा कि दो चार दिन पहले से पता नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा तो हम मान लीजिए कि एक हफ्ते पहले की कोई भी जो तारीख होगी वो हम लिख देंगे दिनांक लिख देंगे अब कौन लिख रहा है संस्कृत विभाग सचिव कौन के संस्कृत विभाग के सचिव ने लिखा है तो यहाँ पे हमने वो बता दिया कि से आया है बोले कि कौन ये सूचना को निकाल रहा है बोले सचिव कहाँ के संस्कृत विभाग की तो ये हो गई आपकी सूचना ऐसे आपको सूचना लेखन करना है समझ रहे हैं ध्यान से अच्छा बढ़िया बॉक्स बना देना है ऊपर बीच में आपको सूचना लिखना है इसके बाद में इधर दिनांक लिख देना है यहाँ पे जो लिख जो भेज रहा है जो सूचना को बता रहा है उनका नाम लिख देना है ठीक है जो विभाग या जो कार्यालय या जहाँ से ये सूचना निकल रही हो उसका नाम आपको यहाँ लिख देना है और आपका ये सूचना लिख दी जाएगी ठीक है तो ये सूचना लेखन आएगा पांच नंबर का आएगा ज्यादा कुछ करना नहीं है हमें प्रश्न से ही लेना है रचनात्मकता का मतलब ये होता है कि आप स्वयं से कितनी रचना कर पा रहे हो उसको कैसा अपनी तरफ से प्रस्तुत कर पा रहे हो ठीक है तो सूचना का प्रारूप ऐसा नहीं होता है कि हमें बहुत कुछ उसमें सजा के दिखाना है इस प्रकार से बता सकते हैं इसी के अथवा में रचनात्मकता में एक और आनी है चीज वो आनी है आपका विज्ञापन लेखन तो इसमें क्या लिखना है क्या लिखा हुआ है सर्वे संतु निरा यानी सभी कैसे रहें निरोगी रहें इति लक्ष्यम इस लक्ष्य को आधार को आधार बना करके जन कल्याण समित्या यानी जन कल्याण समिति के द्वारा एक से योग्या योगाभ्यास शिविर से आयोजन क्रियते एक योगाभ्यास यानी योग के अभ्यास के शिविर का आयोजन किया जा रहा है अधिकाधिक जना अस्मिन भागम ग्रहित लाभान्वित युहु यानी अधिक से अधिक जन इसमें भाग लेकर के लाभान्वित इति इस उद्देश्य की रचना करो कि इससे अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सके ठीक है तो लेना अब ऐसा आपको विज्ञापन तो विज्ञापन भी कैसे लिखेंगे हम विज्ञापन लिखने बड़ी आराम से बना सकते हैं कैसे विज्ञापन आपने देखा है किसी के बारे में जब बताई जाती है तो उसमें कोई बड़ी पैराग्राफ में कोई चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं सूचना होती है जो हम भाई पंक्तियों में लगातार लिखते जाते हैं विज्ञापन को थोड़ा हम आकर्षक बनाते हैं जिससे कम शब्दों में भी हमारा उस पर ध्यान जाए और हम हमारे हमें वो चीज़ें पता चल जाए कि भाई हमें इसको भाई अगर हम भाई साबुन देखते हैं तो साबुन पर कह देते हैं न, इंस्टेंट ग्लो यानी तुरंत निखार के लिए है ना समझ गए कि अरे बस इसको लगाएंगे तुरंत चमक जाएंगे हम तो ये उनने एक शब्द पूरा नहीं लिखा कि इसको लगाने से आपकी ये मैल हट जाता है आपकी धूल हट जाती है दुनिया की चीज़ें नहीं लिखी उनने कह दिया इंस्टेंट ग्लो है ना उन्होंने कह दिया तुरंत निखार के लिए अब ये जो तुरंत जो निखार हुआ शब्द हुआ उसने बहुत सारी चीजों को अपने साथ में समेट लिया तो विज्ञापन ऐसा ही होता है विज्ञापन में आपको क्या करना है कि जो आपका विषय है उसके बारे में कौन सी ऐसी चीजें आप उसमें लिख सकती हो कि जिससे कि वो आकर्षक बने और लोग वहाँ पर आए ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं भाई उसका एक अच्छा चित्र बनाए विज्ञापन में चित्र को आप रच सकते हो है ना तो कैसे बना सकते हैं भाई योग का है तो बड़ा सरल सा हमने बना दिया लिख दिया सर्वे संतु निरामया तो हमने उसको इस प्रकार से लिख दिया कि सर्वे संतु निरामया ठीक है थोड़ा ढंग से उसमें अपनी जितना आपके अंदर कला है जितना आप उसको सुंदर बना सकते हो जितनी अच्छी ड्राइंग क्राफ्ट कर सकते हो उतनी अच्छी करो विज्ञापन वही है बॉक्स आपको जैसा बनाना हो वैसा बना लो आयताकार बना लो लंबा बना लो गोल बना लो ओवल शेप का अंडाकार रूप का बना लो जैसा बनाना हो वैसा बना दो अच्छा ठीक है उसमें जिसके बारे में आप विज्ञापन लिख रहे हो उसका एक बढ़िया सा चित्र बना दो बढ़िया ना बन पाए तो जैसा बन पाए वैसा बना दो है ना योग के बारे में है खेल कूद के बारे में है अब क्रिकेट के बारे में है खेल कूद के बारे में है तो भाई एक आप ऐसी चिड़िया बल्ला ही बना सकते हो कि नहीं बना सकते कुछ तो बना दोगे ना भाई कि किसके बारे में बात हो रही है ठीक है यहाँ पे भाई वो हमने वो शटल कॉक जो होती है भाई वो चिड़िया वाला जिससे खेलते हैं सो हम वो भी बना सकते हैं है ना हॉकी की बात हो रही है तो भाई हम यहाँ पे एक हॉकी का निर्माण कर सकते हैं एक बॉल बना दें पता चल जाएगा कि ये हॉकी की बात हो रही है भाई थोड़ा सा हम चित्र अपनी जितनी आपकी अच्छी कारीगरी हो जितने अच्छे से चित्र बना सको सो तो वैसा अच्छा चित्र बना दीजिए एक अपना जो उसका मूल लोगो दिया है उन्होंने पहली कह दिया सर्व संतु निरामया तो ये मान लो ये हमारा लोगो है प्रमुख आकर्षण कि सभी कैसे रहें निरोगी रहें इसके लिए ये क्या प्रवेश निशुल्क है जिसका एक क्या दे दिया यहां पे आपको आकर्षित करने के लिए कि भाई फ्री की चीज़ पे सबसे पहले आदमी करता है भाई फ्री कौन सी मिल रही है मॉल में जाओगे दुनिया की चीज़ें देखोगे लेकिन जिस पे लिखा होगा फ्री तो वहां पे सबसे पहले जाएंगे भले उधर कुछ भी हो और जबकि हो सकता है कि जो चीज़ फ्री मिल रही है उसका पैसा आपसे उसकी दूसरी चीज़ पे वसूल लिया जा रहा हो लेकिन वो फ्री शब्द बहुत अच्छा होता है तो विज्ञापन में हम आकर्षक आकर्षण के लिए हमने लिख दिया कि प्रवेश निःशुल्क उसको हम कैसे भी अपने चाहे भाई हम अपनों उसको ऐसा बताना है उसको इस प्रकार से बना सकते हैं वो अपना डिब्बा कैसा भी बनाना हो भाई जैसा सुंदर आए वैसा बना दो तो ये एक चित्र बना दीजिए उसका लोगो लिख दीजिए एक फ्री वाली एक चीज़ आकर्षण लगा दीजिए कि अब और उसमें क्या होना चाहिए अब सिंपल सी बात है कि योग शिविर का आयोजन हो रहा है तो आप सीधा ये लिख दीजिए योगाभ्यास शिविर आयोजनम् उसको थोड़ा सा कैसा हाईलाइट करके दिखा दीजिए फिर अब कब हो रहा है कहाँ हो रहा है पहले बता दीजिए कि कब हो रहा है दिनांक 21 से 27 तक होना है ठीक है सात दिन का तो कम से कम शिविर है तो कम से कम सात दिन का तो होगा ही समय बता दीजिए अब क्योंकि योग है तो ध्यान कर लीजिए कि योग भाई हम सुबह सुबह करते हैं तो लाभदायक होता है तो शिविर सुबह का है तो हमने कह दिया प्रह प्रातः छः छादन त वादनतः तौ पर्यंतम यानी कितने सुबह छः बजे वादने नहीं होगा वादनतः हो जाएगा कि छः बजे से नौ पर्यंत तक यानी छः से नौ बजे तक आपका ये होना है ठीक है यहाँ पे वादनम वादन पर्यंतम यहाँ पे आप वादनम शब्द को भी जोड़ सकते हैं नहीं हो तब भी समझ में आ जाएगा कि छः बजे की से नौ पर्यंतम यानी नौ बजे तक की बात हो रही है आप वादन पर्यंत भी लिख सकते हो ठीक है तो यहाँ पे आप वादन पर्यंत भी आप ऐसा लिख सकते हो कि कितने बजे से जिस जितने बजे सी सी का अर्थ जरूर ध्यान रखना कि बजे की बात हो रही हो तो वादन लिख के उसमें तह लगा देना है और जहाँ जिस तक की बात हो रही है कि इतने बजे से इतने बजे तक तो वादन में पर्यंत लगा देना जो ये चीज़ें दोनों ध्यान रखिएगा ठीक है ना ये हो गया इसको हटा देंगे हम वादने नहीं होगा वादने सप्तमी में होता है अब इसमें क्या ऐसी चीजें हैं तो आप बता सकते हैं कि प्रमुख आकर्षण क्या हो रहे हैं इसमें सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा प्राणायाम करवाए जाएंगे आसन करवाए जाएंगे तो अब ये आकर्षण हो गए आपके ठीक है मंत्र प्रार्थना ये सब भी आप लिख सकते हैं मंत्रोच्चारण यानी मंत्र का उच्चारण अब आपको जो जो अच्छी चीजें आ रही हैं तो वो आप लिख सकते हो किसके योग के बारे में अब ये यहाँ पे योग की बात हो रही है लेकिन आपको विज्ञापन और भी किसी की चीज का हो रहा हो तो जो आकर्षण है कुछ आकर्षण वाली चीजें आप लिख सकते हो कि इस आयोजन में क्या क्या जो स्पेशल रूप से करवाया जाएगा तो सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा प्राणायाम करवाए जाएंगे और आसन सारे करवाए जाएंगे तो इससे समझ में आ जाएगा कि अरे चलो ठीक है एक एक शिविर में कम से कम हमें सूर्य नमस्कार करने को भी मिलेगा प्राणायाम भी हमें सिखा दिए जाएंगे आसन भी सिखा दिए जाएंगे ठीक है बस इतना हो गया इसके बाद में हम कह देंगे आयोजक कौन है आयोजक पहले ही उनने बता दिया कौन है ये जनकल्याण समिति ठीक है, है समिति का है उसमें लगी लेकिन नाम लिखना है तो हम उसको प्रथमा में लिख देंगे तो आयोजक कौन है आयोजन कन्व्यकाली कौन है तो हम कहेंगे जन कल्याण समिति ही जो कहा है वृंदावन नगर भोपाल मध्य प्रदेश में है सुबह पहुंच जाएंगे वहां पर तो ये ऐसे अपना विज्ञापन रच देना है कोई इसमें बड़ी आपको लेखा जोखी नहीं करनी है विज्ञापन बनाने में जितनी सुंदर तरह से आप उसको प्रस्तुत करेंगे आपको उसके नंबर मिल जाएंगे ठीक है वही बात होती है कि जो पाँच में से ढाई नंबर आपकी प्रस्तुतिकरण के होते हैं कि आप उसको कितनी सुंदर तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं आप विज्ञापन देखते हैं आपको छपे हुए पर्चे मिलते हैं जिन पर विज्ञापन किसी चीज़ का होता है तो वो उसमें कौन सी चीज़ ऐसी हो जाती है कि जिसको देख करके हम हमने योगाभ्यास को तो देख लिया कि योग का शिविर हो रहा है लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं फीस तो नहीं है तो क्या दिया प्रवेश निःशुल्क ये प्रमुख आकर्षण हो गया तो इससे आदमी जिससे कि मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा आए कब आएंगे या तो फ्री मिलेगी चीज़ साफ सी बात है सबको अच्छी लगती है फ्री की चीज तो बस ऐसी बात है तो इस प्रकार से आपको विज्ञापन बना दे चलिए अब देख लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न को लिखा है प्रदत्त तथ्यानाम सहायता अधोलिखित विषय अधिकृत संस्कृतें अनुच्छेद लिखा यानी प्रदत्त नीचे आपको क्या दिए हैं अनुच्छेद का अब अनुच्छेद लिखने का पहले क्या होता था एक आपको दसवीं कक्षा तक क्या मिल जाता है एक टॉपिक मिल जाता है छोटा सा बस उसको आपको लिख देना है ठीक है उसके विषय में लेकिन अब एक टॉपिक को थोड़ा सा घुमा फिरा के इस प्रकार से दे देते हैं कि जिससे कि बच्चों को लगे कि ये पता नहीं कौन सा है अब यहाँ जैसे अगर हमने देख लिया कि हमारे सामने क्या लिखा है विषय विषय में क्या लिखा है शरीर अर्थ क्या लिखा है शरीरम अर्थ यानी शरीर का अर्थ खलु धर्म साधनम यानी शरीर का जो सही अर्थ है निश्चित ही धर्म साधन यानी धर्म करने का जो साधन है वो क्या है हमारा शरीर ही होता है शरीर अच्छा होता है तो उससे हमारे हर एक भाई किसी भी धर्म के पालन के लिए शरीर का हुन, सही होना बहुत जरूरी होती है होता है है होता होता कि नहीं होता है? तो ये भाई किसके बारे में बात कही जा रही है अब यहाँ कोई टॉपिक नहीं है अब जरा हर जगह लिखेगा धर्म पालन स्वरूपम धर्म पालन का प्रमुख साधन धर्म पालन के लिए शरीर का महत्व स्वस्थ शरीर की अनिवार्यता अब ये सारी चीजें बताइए कहाँ पे जाके रुक रही हैं व्यायाम पे रुक रही हैं कि नहीं कि भाई अगर धर्म पालन के लिए शरीर ही प्रमुख साधन है तो शरीर स्वस्थ कैसे रहता है तो ये व्यायाम अर्थात ये उपनिषद में व्यायाम के बारे में उपनिषद में व्यायाम के बारे में इस पंक्ति को लिखा गया है कि शरीर मार्थम शरीर मार्थ खलु धर्म साधनम यानी धर्म को धर्म का पालन करने के लिए आप कैसा भी धर्म कहें चाहे सत्य का चाहे अहिंसा का या किसी भी आप धर्म का पालन कर रहे हैं उसके लिए शरीर एक कैसा है बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते अर्थात इसको इसमें आपको लिखना किसके बारे में है व्यायाम के बारे में ठीक है तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे अब उन्होंने क्या दे दिया है कि ये आपको क्या कह दिए हैं कि ये जो आपको तथ्य दे दिए हैं कि धर्म पालन का स्वरूप कैसा हो सकता है क्या करना चाहिए हमें धर्म पालन का प्रमुख साधन क्या होगा धर्म पालन में शरीर का क्या, क्या महत्व होगा और स्वस्थ शरीर की अनिवार्यता तो इसके बारे में अब हमें क्या करना है हमने जो व्यायाम के बारे में हम जो चीज़ें पढ़ते हैं उसी को अपने धर्म से जोड़ करके लिख देना है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे हम लिखा है शरीर खलु धर्म साधनम एक तत्त ऐसा कहते हैं कि शरीर माध्यम यानी शरीर आद्यम यहाँ पे शरीर मार्थ लिखा हुआ है वही शरीर आद्यम यानी प्रमुख शरीर क्या है प्रमुख साधन है धर्म का ठीक है अब इससे क्या अर्थ निकल रहा है इससे निकल रहा है कि स्वस्थ एव प्रवती नरह। शरीर एवं धर्माचरण कर तुम प्रभवती यानी स्वस्थ शरीर के द्वारा ही धर्माचरण कर नर प्रभवती नर करने में समर्थ होता है यानी स्वस्थ शरीर के द्वारा ही धर्माचरण नर कर सकता है स्वस्थ शरीरम हम कस्मात प्राप्य और स्वस्थ शरीर कैसे प्राप्त किया जाए तो आ गए हम व्यायाम पे स्वस्थ शरीर से के द्वारा ही धर्माचरण कर सकता है नर कोई भी व्यक्ति किसी का रख सकता है मनुष्य लिख सकते हैं आप नर लिख सकते हैं या जन लिख सकते हैं ठीक है जन मनुष्य नरह स्वस्थ शरीर स्वस्थ शरीर के द्वारा ही धर्म आचरण कर सकता है यानी शरीर के क्या होता है धर्म करने का प्रमुख साधन होता है स्वस्थ शरीरम कस्मात् थे अब बताइए स्वस्थ शरीर कैसे प्राप्त हो तो आप कहेंगे अस्य स्वास्थ्य से अनेक साधना नहीं इसके स्वास्थ्य के लिए अनेक साधन होते हैं इसको स्वस्थ रखने के अनेक साधन होते हैं तेषु लेकिन उनमें व्यायाम इति महत्वपूर्ण साधनम अस्ति लेकिन उन सभी में जो व्यायाम होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है यदि मनुष्य अब देखिए यदि मनुष्य दीर्घायु वांछति तीन नियमित व्यायाम अगर आयु ही, तो धर्म का पालन करेगा। ही नहीं करेंगे तो अब हम, इस धर्म को साथ में जोड़ते हुए, हम इसमें व्यायाम के बारे में भी लिखेंगे यदि मनुष्य दीर्घायु वांछति तरह ही तीन नियमित व्यायाम करनीय स्वास्थ्य रक्षा यही व्यायाम अति आवश्यक है नियमित व्यायाम शरीर निरोगम जायते व्यायाम से अनेक लाभ संति और व्यायाम के अनेक लाभ होते हैं यानी उनमें से व्यायाम सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि देखिए शरीर कैसा होता है धर्म को प्राप्त करने का कैसा होता है प्रमुख साधन होता है प्रमुख साधन होता है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम और स्वस्थ शरीर के द्वारा ही धर्म आचरण कर सकता है कोई भी मनुष्य और स्वस्थ शरीर कैसे प्राप्त हो उसके लिए स्वास्थ्य उसके स्वास्थ्य के लिए अनेक साधन होते हैं उनमें से व्यायाम सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है यदि मनुष्य दीर्घायु को चाहता है तो उसके द्वारा नियमित व्यायाम करना चाहिए स्वास्थ्य रक्षा के लिए व्यायाम अति आवश्यक होता है नियमित व्यायाम के द्वारा ही शरीर निरोगम जायते व्यायाम से अनेक लाभ संति और व्यायाम के अनेक लाभ होते हैं अब धर्म पालन से पालन से स्वरूप अब धर्म पालन का स्वरूप क्या है तो हम कहेंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष इति चतवारा पुरुषार्थ ये तो चार पुरुष पुरुषार्थ हैं यानी धर्म हमें के कितने हमारे मनुष्य जीवन में अर्थ धर्म काम मोक्ष ये हमारे कैसे होते हैं उनमें से धर्म को सबसे पहले रख दिया जाता है ये प्रमुख कर्तव्य होते हैं हमारे मनुष्य जीवन में अब अनुच्छेद लिखना है इसलिए हम निबंध जैसा उसको बहुत विस्तृत नहीं करेंगे हर एक टॉपिक में अपनी जैसे भाई पहली थी उसको थोड़ा सा अच्छे से तरह से समझा दिया और हर एक में दो दो तीन तीन पंक्तियां जोड़ के हम उसको लिख देंगे तेषाम प्राप्यर्थ हम उसके प्राप्ति के लिए शरीर स्वास्थ्यम आवश्यकम और उसको प्राप्त करने के लिए ये चारों पुरुषार्थ होते हैं और उनके लिए हमारा स्वास्थ्य कैसा होता है आवश्यक होता है स्वस्थ शरीरे, स्वस्थ शरीर स्वस्थ आत्मा निवसती इति मन्यते और माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है इस प्रकार से अब देखते हैं लिखा है धर्मपालन से प्रमुख साधन धर्म धर्म पालन का प्रमुख साधन क्या है तो धर्म पालन का प्रमुख साधन तो क्या है शरीर है तो हम कहेंगे कि शरीर है और शरीर भाई स्वस्थ किससे हो रहा है हमारे व्यायाम से तो हम कहेंगे रुगुणा मानव किमपि कार्य कार्यो कर तुम असमर्थ रोगी जो मानव होता है वो कुछ भी काम करने के लिए असमर्थ होता है ठीक है तो धर्म पालन से अब आप यहाँ पे किमपि कार्यम कर तुम असमर्थ या धर्म पालन कर तुम असमर्थ भवती आप लिख सकते हैं रुग्ण मनव किमपि कार्य या आप लिख सकते हैं धर्मस्य से पालन करसमर्थ अतः अतः स्वस्थ शरीरस्य स्वस्थ शरीराय स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम या धर्मपालनस्य या धर्मपालन धर्मपालनाय धर्मपालन के लिए धर्म व्यायाम प्रमुख अस्ति। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं अतः इसीलिए व्यायाम धर्म, पाल, धर्म पालन का प्रमुख साधन है धर्म पालन भाई तभी होगा जब हम अच्छे से व्यायाम करेंगे क्योंकि व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं धर्म पालन कर सकते हैं तो प्रमुख साधन हो गया कि नहीं हो गया व्यायाम अब धर्म पालन है शरीर से महत्व धर्म पालन के लिए शरीर का महत्व क्या है ठीक है प्रमुख साधन तो हमने बता दिया कि प्रमुख साधन व्यायाम है और उसके लिए महत्व तो बता दिया धर्म शरीर तथा शरीर वैसे ही शरीर से रक्षे रोगे भैसे ही धर्म पालन के लिए जिय जैसे शरीर महत्वपूर्ण है आवश्यक है वैसे ही शरीर को रोगों से रक्षण करने के लिए व्यायाम आवश्यक है नियमित व्यायाम शरीरे रोगा न उद्भवंती ठीक है चले आगे हम देखेंगे स्वस्थ शरीर से अनिवार्यता स्वस्थ शरीर की क्या अनिवार्यता होती है तो हम लिख देंगे कि आरोग्यशाली नाम जीवनम आनंददायक भवती भाई जो स्वस्थ शरीर होता है आरोग्यशाली जीवन होता है वो कैसा होता है जीवन उसका आनंददायक होता है ये जना दीर्घ जीवनम स्वस्थ जीवनम वाँचती ते व्यायाम अवश्यम करनीय एक तद कथनम यानी जो जन दीर्घ जीवन स्वस्थ जीवन चाहते हैं वे व्यायाम अवश्य कर उन्हें अवश्य ही करना चाहिए ये तदेव ऐसा ही अंत में कथन कथनम ऐसा ही हम अंत में कह रहे हैं ठीक है तो ये लीजिए आपका धर्मार्थ शरीर आम, शरीर खलु धर्म यानी शरीर जो होता है वो धर्म का पहला साधन होता है और शरीर कैसे हो सकता है जब आप व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ शरीर से ही धर्म हो सकता है क्योंकि ये जो पंक्ति है ये व्यायाम के बारे में ही भाई आई हुई है इसीलिए हमने उसको व्यायाम के बारे के आयाम से जोड़ करके उसको प्रस्तुत किया ठीक है ना अब चलती है इसके अथवा में भी एक आ गया अब अथवा में भी सत्संगति दे दिया कि भाई आपको वो वाला टॉपिक समझ में ना आए तो सत्संगति पे लिख दीजिए तो भी दे दिए सत्संगति कथा किम ना करुति पुनसम सत्संगति महत्वम कीदृशी संगति आवश्यकी सत्संगति लाभ और उपसंहार अब इन पांचों पे हम लिख सकते कि कैसे और क्या कि नहीं मनुष्य को सत्संगति को कथय किस प्रकार से किम ना करोती कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जो सत्संगति के बारे में अब हमें बताना है तो हम कहेंगे मानव मानव कैसा हो एक सामाजिक प्राणी अस्थि एक सामाजिक प्राणी है सह समाज इस संसर्गे निवसती वह समाज के संसर्ग में रहता है सह एकाकी संसर्ग बिना स्थापुन स्थापुम ना शक्नोती वह अकेला या किसी के साथ के बिना स्थातुम ना शक्यती, शक्नोती यानी नहीं जीवित रह सकता है मानव से मानव के ऊपर समाज से संगत प्रभावो सर्वाधिकम भवती। मानव के ऊपर समाज की संगति का प्रभाव सर्वाधिक होता है सज्जन सह यानी सज्जन के साथ जना सज्जना सज्जनों के साथ सज्जन जन और दुर्जन ही सह दुर्जना भवंती और दुर्जन के साथ दुर्जन हो जाते हैं क्योंकि भाई मानव के ऊपर समाज की संगति का प्रभाव सर्वाधिक होता है तो सज्जनों के साथ लोग सज्जन हो जाते हैं दुर्जन ही सह दुर्जना भवंती अब सत्संगी सत्संगति महत्वम अब ले के बात तो वही है एक ही बात है सत्संगति यानी अच्छे लोगों की संगति तो अब हम उसको पढ़ेंगे कि सत्संगति महत्व तो पहले समझ समझने कि क्या है तो कहेंगे सताम यानी अच्छे लोगों की सज्जनानाम संगति सतसंगति यानी अच्छे लोगों की अच्छे लोगों से जो संगति होती है तब उसको सत्संगति कहा जाता है ये सज्जना साधवा पवित्र आत्मना संति यानि जो व्यक्ति सज्जन साध कहते साधु साधु शब्द साधु का बहुवचन है साधव यानी साधु उत्तम प्रकृति के पवित्र पवित्र आत्मा के होते हैं उनकी संगति से मनुष्य सज्जन साधु शिष्ट यानी जो जो व्यक्ति सज्जन साधु पवित्र आत्मा संति होते हैं तेजाम संगत्या उनकी संगति से मनुष्य कैसा हो जाता है जो सज्जन साधु और पवित्र आत्मा के व्यक्ति होते हैं उनकी संगति से मनुष्य सज्जन साधु और शिष्ट हो जाता है लेकिन दुर्जना नाम सत्संग अब महत्वपूर्ण तो बता रहे हैं मैं तो बता रहे हैं कि सत्संगति की महत्व से तो ये हो जाता है सत्संगति का महत्व तो क्या है कि अच्छी संगति से तो व्यक्ति ऐसा हो जाता है लेकिन अपितु या परम यहाँ परम शब्द भी जोड़ सकते हैं परम लेकिन संगत्या दुर्जनों की संगति से मनुष्य पतंग विनाशम चापनोत्त यानी दुर्जनों की संगति से मनुष्य पतन और विनाश को प्राप्त कर जाता है कीटो अपि जो कीड़ा भी पुष्प संग संसर्गम अवाप्य यानी किसको पुष्प की संसर्गी कीड़ा भी देखिए संगति का महत्व तो बताया है बताया कि कीड़ा भी पुष्प का संसर्ग कर लेता है अवाप्य प्राप्त करके संगति को प्राप्त करके सताम रसो निधी दुर्जनों की संगति प्राप्त करोगे तो विनाश को चले जाओगे लेकिन जैसे संगति अब हम इसको इसके साथ में भी लिख सकते हैं भवती के बाद में के शिष्ट हो जाता है कीड़ा भी पुष्प के संसर्ग से सताम शि रसु यानी सज्जन लोगों के सिर पर निधी विराजमान होता है परम लेकिन दुर्जना नाम संगत्या मनुष्य पतनम चा प्राप्त तो इसको दुर्जनों की क्यों हम बाद में लिख देंगे और ना भी लिखे तो भी चल जाएगा ठीक है चले अब इसके बाद कीदृशी संगति ही आवश्यक है किस प्रकार की संगति आवश्यक है तो ले दे बात तो वही है कि सत्संगति आवश्यक होती है तो हम आगे देखेंगे पढ़ेंगे कि बताएंगे कि क्यों सत्संग संगति क्यों आवश्यक है क्या तो कहेंगे बाल्यकाल विशेषता यानि वाले विशेषतः बालक से ऊपरी बालक के ऊपर संसर्ग से प्रभाव होती संसर्ग का बहुत प्रभाव होता है जिससे जैसा उसको माहौल मिलता है जैसी उसको संगति मिलती है जैसे लोगों में वो पलता बढ़ता है वो वैसा आचरण करने लगता है दुर्जना नाम संसर्गेण बहवो हानयो भवंती दुर्जनों के संसर्ग से तो बहुत हानियां होती हैं यथा जैसे दुर्जन संसर्गेण मनुष्य असद्वृत्ति असदवृत्ति का हो जाता है भवती युक्त तो भवती दुर्विचारों से ग्रसित हो जाता है यानी बुरे विचार आने लगते हैं अस, कहते हैं अतः तरीरम क्षीणम जिससे कि शरीर भी क्षीण और निर्बल होता है तस्य कीर्ति नश्यति कीर्ति नष्ट हो जाती है सर्वत्र अनादरों भवती, हर जगह अनादर हो जाता है सर्वा सर्वत्र प्रतिष्ठा भाजनम चाहती और सर्व सर्वत्र कैसे हो जाते हैं अप्रतिष्ठा के भाजन हो जाते हैं हर जगह अप्रतिष्ठा यानी कहीं मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है अतः इसीलिए स्वयशो वृद्धे इसलिए अपनी अब देखिए इन सब से ऐसा हो जाते हैं दुर्जनों की संगीति से इसीलिए स्वयशो वृद्ध अपनी वृद्धये अपनी यश की वृद्धि के लिए ज्ञानवर्धय अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए सुखस्य सुख के शांतिश्च और शांति की प्राप्त करने के लिए सर्वे सबको ही सत्संगति करनी चाहिए दुर्जन संगति और दुर्जन की संगति त्याग देनी चाहिए सत्संगति लाभ लाभ क्या होते हैं सत्संग सत्संगेन अच्छी संगति के द्वारा मनुष्येशु मनुष्यों में बहवा गुणा उद्भवंती बहुत सारे गुण का उद्भव होता है सत्संग मनुष्यः मनुष्य विवेकान श्रद्धावान् शीलवान्न परोपकारी सत्संग के द्वारा ही मनुष्य विवेकी हो जाता है श्रद्धावान होता है शीलवान होता है और परोपकारी हो जाता है दुर्जनानाम नाम संग करेण तू दुर्गणा एव प्रादुर्भवंती और दुर्जनों की संगति से वही दुर्गुण का प्रादुर्भाव होता है यह जगति इस संसार में अवलोक्यते यह देखा जाता है कि सत्संगतिम संगतिम आश्रित निर्गुणा गुणिना अधार्मिका धार्मिका अशिक्षित शिक्षित दुराचार सदाचार अभवन देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इस जगत में यही देखा जाता है कि सग संगतिम आश्रित कि सतसंगति या कुसंगति इनका आश्रय लेकर के निर्गुण गुणी यानी निर्गुण जो व्यक्ति होते हैं ना किसका अगर का आश्रय ले, ले तो जो जिसमें कोई गुण नहीं है वो गुणवान बन जाता है अधार्मिक व्यक्ति धार्मिक हो जाता है अशिक्षित शिक्षित हो जाता है और दुराचारह दुराचारी जो व्यक्ति हो जाते हैं वो सदाचार अभवत वो भी कैसे हो गए कैसे हुए हैं ऐसा इस जगत में देखा गया है अवलोक्य देखा गया है कि सत्संगतिम सत्य सत्संगति के आश्रय लेकर के निर्गुणा गुणिना निर्गुण व्यक्ति गुणी हो चुके हुए धार्मिक अधार्मिक धार्मिक हुए अशिक्षित शिक्षिता हुए दुराचार सदाचार अभवन यानी हुए श्री रामचंद्र से संपर्क अवाप्य विभीषण हनुमान सुग्रीव चह महिमान जैसे कि श्री रामचंद्र के संपर्क में आने से अवाप्य यानी प्राप्त करके विभीषण विभीषण राक्षस थे हनुमान एक वानर थे सुग्रीव वानर थे महिमान प्राप्त उन्होंने भी महिमा को प्राप्त किया ठीक है ना तो ये संगति का क्या होता है गुण होता है उपसंहार में देखेंगे हम और भी हम देखेंगे कहेंगे रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद गुण गौरव प्राप्त भी हम अपने उसी में लिख देंगे कि भाई किस प्रकार का ये लाभ को हम उसी में लिख देंगे इस पंक्ति को अब हम आगे लिखेंगे कि सताम संग भीष सर्वदोष वत सर्व दोष सर, सत सतलोगों की जो संगति होती है उससे सारे दोष निवारण हो जाते हैं सताम संग सर्विधम सौभाग्यम मंगलम क्षेम च आवति सत लोगों की संगति से हर प्रकार का सौभाग्य मंगल आदि प्राप्त होता है अतः इसलिए सर्वदा सत्पुरुषाण संगति कर्तव्य है इसीलिए हमेशा सत्पुरुषों की ही संगति करनी चाहिए शास्त्र से तो अयम निर्देश है तो शास्त्र में भी तो यही निर्देशित किया गया है कि विद्यालत अभी दुर्जन परिहर्तव्य है यानी शास्त्र में भी ये कहा गया है कि विद्या कृत भी दुर्जन कैसा होता है विद्या से अलंकृत होते हुए भी दुर्जन तो हमेशा कैसा त्यागने ही होता है अर्थात हमें संगति ही करनी चाहिए सत्संगति ही करनी चाहिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर तो अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यशु के जानचन यानी निम्न नीचे लिखे हुए वाक्यों में से किन्नी पंच वाक्य नाम पाँच वाक्यों को संस्कृति अनुवादम कुरुत संस्कृत में आप अनुवाद उनको कीजिए तो लिखा हुआ है वाटिका में सुगंधित फूल खिल रहे हैं तो अब आपको देखना है कि ये जो आपके सामने हिंदी के शब्द हों उनमें कौन सी विभक्तियाँ लगी हुई हैं तो जैसे वाटिका में वाटिका शब्द में मैं लगा हुआ है तो आपको इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है तो आप कहेंगे वाटिका यहां अब कैसे अब खिलने का काम कौन कर रहा है कर्ता पहचानिए इसमें आप कहेंगे फूल तो फूल को किस में बनाएंगे आप प्रथमा विभक्ति में तो फूल प्रथमा विभक्ति में अब एक नहीं है बहुत सारी हैं तो कैसे बनाएंगे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी तो यहाँ पे पुष्पाणी शब्द हम लिख देंगे किसके लिए फूलों के लिए अब खिलने का काम कर रहे हैं खिलने को क्या कहते हैं विकसित होना तो, तो विकसित तो हमारा हो जाएगा विकसन्ती ठीक है वाटिकायाम पुष्पाणी विकसंती अब कैसे फूल खिल रहे हैं सुगंधित तो सुगंधित भी हमारा पुष्पाणी जैसा बहुवचन में बन जाएगा तो हम कहेंगे वाटिकायाम सुगंधितानी पुष्पाणी विकसन्ति ठीक है अब चलिए हर एक शब्द में छुपी हुई विभक्ति को पहचान जाए और आपको शब्द रूप याद है धातु रूप याद है फिर तो आपके अनुवाद कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं आगे लिखा है जैसे कि हमने अनुवाद के लिए इसीलिए आपके वन शॉट रिवीजन बनाए हैं ट्वेल्थ क्लास वाले बच्चों के लिए बहुत पहले बना चुके हैं कि आपको ट्रांसलेशन में कोई समस्या नहीं आए हर प्रकार के आपको अनुवाद हमने सिखाए हैं लिखा है बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं अब यहाँ पे हो गए बच्चे बच्चों को हम क्या कहेंगे अब यहाँ पे बालक ये लगा हुआ है अब हम इनको बालकाह पहले हम सबसे पहले कर देते हैं ठीक है बच्चों को हम अच्छा बालाह से भी दर्शा सकते हैं समझ रहे हैं बाला भी कह सकते हैं बालकाह भी कह सकते हैं कहाँ खेल रहे हैं खेल के मैदान खेल के मैदान को क्या कहते हैं हम क्रीड़ा क्षेत्र अब उसमें क्या लगा है में तो सप्तमी विभक्ति लगा देंगे तो ये हो जाएगा क्रीडा क्षेत्र खेल रहे हैं अब खेल रहे थे थे की बात हो गई अब थे की बात हो गई तो हम कह देंगे यहां पे अब पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे क्योंकि ये था थी थे है तो खेलने को हम किससे दर्शाते हैं क्रीड धातु से क्रीड धातु से दर्शाते हैं भूतकाल बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आ लगाना चाहिए हम आ लगाएंगे क्रीड धातु लिखेंगे फिर इसके बाद ये देखेंगे कि ये कर्ता कहाँ का है कर्ता हमारा है प्रथम पुरुष के बहुवचन का तो क्रिया हमारी कौन सी बन जाएगी हमारे क्योंकि खेल रहे थे की बात हो रही थी तो अक्रीडत और यानी इसमें हम इसको बना देंगे बालकाह क्रीडा क्षेत्र अगर यहाँ पे लड़का एक की बात हो रही होती कि बच्चा मैदान में खेल रहा है तो हम कहते क्री, क्रीड़ा क्षेत्र अक्रीडत तो हम इस प्रकार से इसका रूप बना देते ठीक है तो भाई हमारी जो क्रिया है वो किसके हिसाब से चलती है हमारे कर्ता के हिसाब से तो ये बच्चे बहुत सारे हैं तो हम लिख सकते हैं बालकाह या बाला कहा खेल के मैदान में तो खेल का मैदान को क्या कहेंगे क्रीड़ा क्षेत्र अब उसमें क्या लगी है मैं मैं का अर्थ है तो सप्तमी विभक्ति क्षेत्र में लगाएंगे अंतिम पद में तो ये हो जाएगा क्षेत्र खेलने को कहेंगे क्रीड और था जो हमारा है वो कह देगा कि भाई लंग लकार में अपनी आप क्या बनाओ क्रिया बनाओ और का, अक्रीड बन गई अब इसके बाद लेकिन कहेंगे अंतिम प्रत्यय कैसे लगाया जाए वो इसको देख के लगाया जाएगा इसका पुरुष और वचन तो यहाँ ना मैं है ना तुम है तो प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी एक नहीं है बहुत सारे हैं तो लंग लकार में चले जाएंगे तो ताम न त ता एक वचन के लिए आती है तम हमारी दुवचन के लिए आती है और न आती है बहुवचन के लिए और इस प्रकार से ये हमारा वाक्य बन जाएगा चलिए अब देख लेते हैं अगला क्या लिखा है हम कल विद्यालय में वृक्षारोपण करेंगे तो हम हमको क्या कहते हैं वयम ठीक है हो गया कल आने वाले कल को क्या कहा जाता है स्व कहाँ पे विद्यालय में तो ये हो जाएगा विद्यालय क्या करेंगे करेंगे तो कर तो श्याम तो कैसे मिला हमें वयम को देख करके क्री धातु कर श्याम कैसे बना करने को क्या कहते हैं क्री अब यहाँ पे गागी लगा है अर्थात हमें किसमें बनाना है भविष्य काल में इसके रूप बनाने रूप बनाने हैं तो इसको पूछेंगे हम करने के द्वारा क्या करना चाह रहे हो वृक्षारोपण को तो ये कर्म हो गया कर्मणि लगा के वृक्षारोपणम द्वितिया विभक्ति में बना दिया अब इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे क्री धातु में क्री धातु को व्यय के हिसाब से बनाए तो व्यय कहाँ से आती है उत्तम पुरुष अहम आवाम व्यम उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता होता है तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे भविष्य काल में उत्तम पुरुष बहुवचन के कर्ता के लिए कौन सी क्रिया आती है तो जैसी लट की होती वैसी लिट की होती है तो आमी आवह आमह तो ये हो जाएगा करिष्याम इस प्रकार से ये हमारा अनुवाद होगा अगला लिखा हुआ है सब छात्रों को संस्कृत पढ़नी चाहिए तो अब यहाँ पे चाहिए का अर्थ आ रहा है अर्थात चाहिए की बात है तो हम क्या करेंगे इसमें या तो विधिलिंग लकार का प्रयोग कर देंगे या अनियर प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन अनियर का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं समझ जाइए ध्यान कीजिए कई बच्चे अनियर का प्रत्यय का प्रयोग कर लेते हैं उसमें अगर आप अनियर जैसे किसी धातु में चाहिए का अर्थ बताना है तो अनियर प्रत्यय से भी हो सकता है और किससे हो सकता है और साधारण विधिलिंग लकार से तो हो ही जाता है कि भाई सब छात्रों को तो सर्वे छात्रा पढ़ने के द्वारा क्या पढ़नी चाहिए संस्कृत तो संस्कृत कर्मणि द्वितीय से संस्कृतिम बन, संस्कृतम बन गया और पढ़नी चाहिए को हो जाएगा पठेयू और इसी को कई बच्चे सोचते हैं कि हम अनियर प्रत्यय में लगें लिखें तो जहाँ कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहता है साधारण वाक्यों में वहीं अगर अनियर प्रत्यय लगाएं तो कर्ता को फिर तृतीय विभक्ति में बनाना पड़ेगा तो हो जाएगा सर्वे छात्र संस्कृत पठनीय ठीक है अब लिखा है तुम सब सुखी रहो अब यहां पे रहो या हो तुम सब आयुष्मान हो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे तुम सब सुखी रहो तुम के लिए आ जाएगा तो यूयम सुखी अब क्योंकि तुम एक नहीं है बहुत सारे हैं और यहाँ पे रहो की बात आ रही है आज्ञा अनुज्ञा की बात आ रही है तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे यूयम सुखी भवत ठीक है लोट लकार में भव धातु हो रहू इनके लिए हम किसकी प्रयोग करते हैं रहा रही के लिए अलग से कोई धातु नहीं होती है हमारे जो भव धातु होती है उसी का हम प्रयोग कर लेते हैं आगे लिखा है शिष्य गुरु से निवेदन करते हैं तो शिष्य किससे तो शिष्या अब एक नहीं है बहुत सारे हैं तो शिष्य शिष्या बना दिया गुरु से निवेदन करते हैं तो हम कहेंगे गुरुवे निवेद निवेदय अब एक नहीं है ना बहुत सारे हैं तो शिव श्रे निवेदयती इस प्रकार से ये हमारे अनुवाद हो जाएंगे राजा के दोनों ओर सैनिक चल रहे हैं अब वही दोनों ओर की बात आ गई अभिता परिता समय या निकता उभयतः ठीक है तो हम उभय लिख दें अभित लिख दें तो हमारा क्या हो जाए राजा अब के अब किसके राजा के तो यहाँ हो जाएगा राजनम उभयता जिसके दोनों ओर जिसके दोनों ओर जिसके चारों ओर जिसके आ, की बात हो रही हो तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है किससे हमारे अभितः परितः समया निकषा उभयता परितः सर्वता हा प्रतियोगी द्वितीया इन सभी अव्ययों के योग में हमें द्वितीया विभक्ति लगानी होती है तो हम कहेंगे राजा राजन शब्द की द्वितीया विभक्ति लेंगे हम कहेंगे राजनम अच्छा राजा में के लगा हुआ है तब भी ष्ठी नहीं लगी द्वितीय लगी किस सूत्र की वजह से उपपद विभक्ति के सूत्र से और फिर हमने दोनों ओर को लिख दिया उभयतः सैनिक अचलन क्योंकि चल रहे थे एक नहीं था बहुत सारे थे तो चलने को चल धातु से दर्शाया था थी थे आसे आ गया और बहुत सारे थे इसलिए प्रथम पुरुष सैन्य प्रथम पुरुष की करता थे बहुवचन में थे तो बहुवचन की क्रिया लगा दी गई तो इस प्रकार से ये हमारे हो जाते हैं हमारे अनुवाद अब चलते हैं हम अपने अंतिम आ, अगले प्रश्न पर जिसमें पांचवी में हमें लिखा हुआ है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा तद आधारित नाम प्रश्न नाम संस्कृति नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों को आप संस्कृत में लिखिए तो लिखा है यहाँ पे अथ इसके बाद सर्वविध विटापा नाम सर्वविध हर प्रकार के विटपे विटिपा नाम यानी जो विटप है पेड़ पौधे हैं उनके मध्य भागे स्थित मध्य भाग में स्थित सुमह अश्वत देव सुमहान सबसे बड़े पीपल देवता वदती बोलते हैं कि भो भो अरे अरे वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपाह यानी वनस्पति कुल के प्रदीप महान वृक्षों कु, कु, कुसुम कोमल दंत कुसुम से कुसुम कुसुम कोमल दंत यानी कोमल किससे लदी किससे बनी हुई फूलों से लदी हुई कोमल कांति वाली जो लता कुल कुल लल लता कुल ललनाश्च उन्होंने कहा कुसुम कोमल रुच वाली भाई किस कैसी शोभा सुभा वाली जो फूलों फूलों से शोभायमान है कोमल है और उनकी इस प्र फूल फूलों से उनकी क्या हो रही है कांति शोभायमान हो रही हैं ऐसी लताएं जो कुल की स्त्रियां हैं वो सभी क्या कह रहे हैं स... सवहिता शुण तो भवंत आप सभी सवहिता यानी सावधान होकर भवंत आप सभी शृण्वंतु सुनो अद्य आज मानव मानव वार्ते अस्माक समालोच्य विषय आज मानव की वार्ता मानव की वार्ता हमारा समालोच्य यानी आलोचना का विषय है मानव की बारे में बातचीत हमारी आज आलोचना का विषय है मानवा नाम सर्वासु सृष्टि धरासु निकृष्टतमा सृष्टि मानव नाम का जो मानव नाम का जो प्राणी है वो सर्वासु सृष्टि धरासु पृथ्वी की सब प्रकार की जो सृष्टि है धरा पर यानी पृथ्वी पर इतनी प्रकार की सृष्टि है इतने प्रकार की जीव जंतु हैं उन सभी सृष्टि उन सभी जीवों में निकृष्टतमा सृष्टि सबसे नीच प्रकृति की सृष्टि है सबसे नीच प्रकृति का के कौन है जीव है जीव सृष्टि प्रवाहेशु मानवाह एव पर प्रतारक स्वार्थ साधन परा माया विना कपट व्यवहार कुशा हिंसा निर्ता जीवा ना विद्य जीव सृष्टि प्रवाहेशु यानी जीव की यानी जीवों की जो सृष्टि का प्रवाह चला आ रहा है निरंतर कोई ना कोई जीव हमारी पृथ्वी पर प्रकट होते हैं विलुप्त तो हो जाते हैं इस प्रवाह में मानवा एवं मानव के जैसा पर दूसरों को प्रतार का प्रताड़ित करने वाला स्वार्थ साधन भरा अपने स्वार्थ में भरा हुआ अपने स्वार्थ में सिद्ध करता हुआ हमेशा स्वार्थ अपने स्वार्थ के लिए सोचता हुआ माया विनाहा जो माया भी कपट व्यवहार कुशल कपट व्यवहार करने वाला हिंसा निरत जीव हिंसा में निरत यानी हमेशा हिंसा करता रहता है ऐसा जीव ना विद्यंते कहीं पर विद्यमान नहीं है पूरी धरा पर तो ये भाई हमारा कहाँ से आया है उद्भिज परिषद इस पाठ से आया है अब इस पाठ से में ये गद्यांश दे दिया जाएगा अब ये पठित अवबोधन शुरू हो गया है तो अब आपकी जो किताब है उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी गद्यांश दे देंगे श्लोक दे देंगे पद्यांश दे देंगे और कहेंगे इससे जुड़े प्रश्नोत्तर बताइए जैसा कि हमने वन शॉट रिवीजन में करवाई भी है आप लोगों को अब यहाँ पे लिखा है पादपेशु समालोच विषय कहा आसीत तो हम क्या कहेंगे मानव वार्ता पादपों की जो समालोच का विषय है वो क्या है क्या था मानव वार्ता मानव की प्र, की मनुष्य के लिए जो बातचीत है वो उनका आलोचना का पहला विषय था मानव पर बातचीत करनी थी कि मानव कैसा है कपट व्यवहार कुशला के संति कपट व्यवहार कुशल कौन होते हैं वृक्ष तो होते हैं अन्य जीव तो होते नहीं है तो जगह हम लिखेंगे मानव लेकिन बहुवचन में लिखेंगे तो हो जाएगा मानवाह महापादवाह सवहिता कस्य वार्ता सुनवंतु महान जो पादप थे सावधान होकर किसकी वार्ता सुन रहे थे किसकी बातचीत सुन रहे थे की तो यहां सी है तो अश्वत्व में भी हम विभक्ति लगा करके उत्तर लिख देंगे विभक्तिगेषी की एक विभक्ति लगी हुई है तो यहाँ पर भी का एक वचन अश्वत्त लिख देंगे चलिए अगला प्रश्न है पूर्ण पूर्णवाक्य उत्तर वाक्य के द्वारा उत्तर देना है केवल प्रश्न द्वयम वहां पर भी हमें दो प्रश्नों के उत्तर देने थे और यहाँ पर भी आपको दो प्रश्न के उत्तर देने के लिए ही आएंगे जीव सृष्टि प्रवाहेशु मानवा की दृशा जीवा सन्ती जीवों की जो सृष्टि की जो प्रवाह है यानी एक के बाद एक हमारे पृथ्वी पर जीव उत्पन्न होते रहते हैं इस प्रवाह में मानव किस प्रकार का है तो हम जो बुराई लिखी थी कि उन्होंने जो पीपल देवता बुराई कर रहे थे वही बुराई हमें यहाँ लिख देनी है कि जीव सृष्टि प्रवाहेशु मानवा एवं मानव की भांति पर प्रकार तरह प्रतारक यानी दूसरों को प्रताड़ित करने वाला स्वार्थ साधन परा माया विना कपट व्यवहार कुशला हिंसा निरत जीवा संति इस प्रकार का जीव है अश्वदेव कुत्र स्थित अस्ति कहाँ पर स्थिति तो अब आप कहेंगे सर्वविधि विटपाना मध्यभागे भागे कहाँ पर सभी प्रकार के विटपों के मध्य भाग में पीपल देव खड़े थे महापादपा की दृशा संति अब यहां पर आपको क्या करनी महापादव की जो विशेषता बोली थी क्या बोली थी वनस्पति कुल प्रदीपाह ये महान पेड़ों की विशेषता थी तो आप इसको लिख के उत्तर लिख देंगे अब इसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर पद्य अब पद्य कहाँ पर मिलेंगे विक्रम सौदार्यम जो हमारा पाठ है उसमें बहुत सारे श्लोक आए हैं और हर एक श्लोक से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हमने वन शॉट रिविजन में आप लोगों को करवाए भी हैं साथ में करवाते गए हैं तो यहाँ पे पद्य दे दिया आपको अधोलिखितम पद्यम पठित्वा तद आधारितान प्रश्नानंद संस्कृत उत्तरत नीचे लिखे हुए पद्य को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्न प्रश्न को संस्कृत में आपको उत्तर देना है क्या लिखा है गिरी कलापी गगने पयोद लक्षांतरे अर्क जले चपद्यम इंदुर द्वे लक्ष्य कुमद से बंध यो मित्रम न ही तस्य दूरम अब इसका एक चार पंक्तियों का है जिसमें कि दो पंक्तियां नहीं बताएंगी दो पंक्तियां दे दी गई अब में ये कहा गया था कि जो व्यक्ति ये ऐसा कहते हैं कि पास में रहने से मित्रता बढ़ती है और दूर रहने से घट जाती है तो ये सर्वथा गलत है क्योंकि कहते हैं गिरी कलापी यानी गिरी पर्वत से मूर की कोई दूरी नहीं होती है अगर वो चाहे तो वो उड़कर किस जबकि उड़ने वाला पक्षी नहीं होता है बहुत कम उड़ पाता है क्योंकि भारी पंख होते हैं जब होती हैं तभी मयूर लंबी उड़ान भरती है लेकिन मित्रता अगर हो तो कहते हैं गिरी कलापी यानी गिरी यानी पर्वत पर पर्वत पर किसको मूर पर को पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है कहते हैं न तस्य दूरम कोई दूरी नहीं है गगने पयोद गगन से जल की दूरी जल पृथ्वी पर है गगन ऊपर है लेकिन फिर भी जब मित्रता है तो भाप बनकर ऊपर पहुंच ही जाता है लक्षांतरे अर्क जले चापद्यम पद्यम जल में और जल में रहने वाले कमल की लक्षांतरे लक्ष लाखों अनंतर यानी लाखों योजन की दूरी पर अर्क अर्क जो है अर्क यानी सूर्य है उससे मित्रता है तो जब सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाता है इसके बाद कहते हैं इंदु इंदुहो द्वे लक्ष्य यानी इंदु यानी जो चंद्रमा है वो दो लाख योजन की दूरी होने पर भी कुमुद से कुमुद की जो उसकी बंधुत्व है यानी बंधुता है मित्रता है मित्रम न तस्य दूरम जो जिसका मित्र होता है वो उससे दूर नहीं होता है चाहे गिरी से कलापी की दूरी हो चाहे गगन से पयोद की हो चाहे अर्क से कमल की हो या फिर जो इंदु चंद्रमा की कुमुद से हो इनकी मित्रता भले ही वो किसी उससे दूर हो यस्य मित्रम ना ही जो जिसका मित्र होता है ना ही तस्य दूरम उस वो उसके दूर नहीं होता है उसके पास उसकी भावनाएं पहुंच जाती हैं तो यहाँ अब पूछ लिया आपसे कि कुमुदस्य बंधु कह कुमुद का बंधु कौन है तो आप कहेंगे इंदु सूर्यण सह कस्य मैत्री अस्ति बताइए सूर्य के साथ किसकी मैत्री होती है तो आप पद्म पद्मस्य कमल शब्द के लिए पद्म आया है उसमें षष्ठी विभक्ति लगा के उत्तर लिख देंगे पयोद कुत्र तिष्ठति पयोद कहाँ रहता है कहेंगे गगन में रहता है तो ये आप किस प्रकार से उत्तर बन जाएंगे अब आगे इसी प्रकार से पूर्ण वाक्य के कैसे आ सकते हैं चंद्र कुमुदाद कियद दूरम तिष्ठति चंद्र कुमुद से कितना दूर होता है तो आप कहेंगे कियद की जगह लिख देंगे द्वि लक्षम यानी दो लाख जैसा कि श्लोक में ही लिखा हुआ है कलापिना मित्रम कहा अस्ती कलापी का मित्र कौन होता है आप कहेंगे यहां पे कलापी का गिरी आना चाहिए यहाँ पे पयोदह लिख दिया है जबकि कलापिना गिरी होना चाहिए गिरी जो शब्द आया है उसको हम लिख देंगे क्योंकि कलापी के लिए यानी कलापिना यानी मयूर मोर के लिए आया है तो पयोदह नहीं आके गिरी हम लिख देंगे ठीक है पद्म कम दृष्टवा पद्म जो है वो किसको देख करके विकसित होता है अब जैसे भाई जल से होती है मयूर की बादलों से होती है लेकिन हमारी जो श्लोक है वो तो कलापी का गिरी से कह रहा है ना गिरी कलापी देखिए ये श्लोक जैसा हमसे कह रहा है हम वैसा उत्तर देंगे कि गगने पयूद गगन की पयूद से बताई गई है गगन में पयूद है ना इस प्रकार से चलिए पद्मम कम दृष्टि विकसंति पद्म जो होते हैं वो किसको देखकर विकसित होते हैं तो आप कहेंगे सूर्यम या अर्कम अर्क या सूर्य को देखकर विकसित होते हैं चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर लिखा है अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा तद आधारित नाम प्रश्न नाम संस्कृतन अब यहाँ पे योग से वैशिष्ट्यम जो पाठ है उससे ही हमारा नाट्यांश ले लिया गया है नाट्यांश वहीं से आएगा और उसको हमने बहुत अच्छे से वंश रिविजन में कम्प्लीट करवा दिया है योग शिक्षक कक्षायाम प्रविशति योग शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं छात्र सभी कहेंगे नमो नमः आचार्य स्वागतम नमो नमः आचार्य कक्षाया कक्षायाम आपका हमारी है, अत्र आपका हमारी कक्षा में नमो नमः आचार्य अत्र यहाँ आपका कक्षा में स्वागतम स्वागत है योगाचार्य कहेंगे छात्रा संप्रति छात्र भवंता यानी आप सभी संप्रति यानी अभी सम उत्सुक दृश्य बहुत अधिक उत्सुक दृश्य दिखाई दे रहे हैं का अपनी विशिष्टा जिज्ञासा कोई क्या विशिष्ट जिज्ञासा है क्या तो सागर कहेगा भो आचार्य हे आचार्य वयम सर्वे हम सभी योगस्य से उपयोगिता या विषय समग्र रूपेण ज्ञातुम उत्सुक हम सभी योग की उपयोगिता के विषय में समग्र रूपेण अच्छे प्रकार से जानने के इच्छुक हैं तो योगाचार्य कहेंगे प्रिय छात्रा किम भवंता जानती क्या आप जानते हैं ये योगशास्त्री कि योगशास्त्र योग में शरीर से मनस च नियमन प्रतिपादित वर्तते कि योगशास्त्र में शरीर शरीर के और मन के नियम का प्रतिपादन है अस्य ज्ञानेन इसके ज्ञान के द्वारा अभ्यासन चा और अभ्यास के द्वारा भवंत आप स्वाध्याय अपि स्वाध्याय में भी एकाग्रता तुम समक्षा भविष्य आप स्वाध्याय करते हैं तो उसमें भी एक एकाग्रता तुम बढ़ाने के लिए सक्षम हो सकते हैं हो जाएंगे इस प्रकार से ये आ गया आपका नाट्यांश अब चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर तो इसमें देखिए हर एक प्रारूप ऐसे ही बनेगा आपका कि पहले एक पद के प्रश्न पूछे जाएंगे और एक वाक्य के पूछे जाएंगे और सभी में आपको दो दो हल करने हैं तो लिखा है एक पद इन उत्तर केवलम प्रश्न द्वयम आपको दो प्रश्न इसमें से हल करने हैं जो आ रहे हो अब बड़े सरल से आएंगे ऐसे प्रश्न के जैसे छात्र कक्षायाम योग शिक्षक कथम कैसे संबोधित करते हैं तो यहाँ पे जो कक्षा में जब कौन आए थे आचार्य आए थे तो उनको कैसे संबोधित किया था क्या कहा था उन्होंने नमो नमः आचार्य आचार्य कह के ही संबोधित किया था या फिर उनका नाम लेके बोला था आचार्य बोल के कहा था ना तो हम कह देंगे यहाँ पे आचार्य ऐसा कह के संबोधित किया था अब योग शिक्षक कुत्र प्रविशति कहाँ पे प्रवेश करते हैं तो आप कहेंगे कक्षायाम कक्षा में प्रवेश करते हैं कहाँ से मिला यहाँ से कि योग शिक्षक प्रवेशती कत्र कक्षायाम उत्तर मिल गया कि छात्रा की दृश्य दृश्यं छात्र कैसे दिखाई दे रहे थे तो अब यहाँ पे हम कहेंगे छात्र कैसे दृश्यं थे कैसे दिखाई दे रहे थे समुचसु कहा क्योंकि योगाचार्य ने पूछा था कि छात्रा आप सभी अब आज संप्रति यानी अब बहुत उत्सुक दिखाई दे रहे हैं तो किसकी बात आ रही थी समुच्सु कहा किसके लिए आया था छात्रा के लिए आया था इस प्रकार से ये हमारा उत्तर बन जाएगा अब आगे लिखा हुआ है चलिए ये हमारा हो चुका हम्म अपूर्ण वाक्य का प्रश्न उत्तर देख लेते हैं छात्रा है योग से सक्षमा भविष्यन्ति। छात्र योग के अभ्यास से किसमें सक्षम हो जाते हैं तो जो हमारी वही विशेषता लिखी है कि छात्र योग के अभ्यास से योग के अभ्यास के द्वारा स्वाध्याय में की एकता वर्ध, वर्ध तुम सक्षमा भविष्य ठीक है भाई कहीं से नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कहा किसमें हो जाते हैं किसमें सक्षम हो जाते हैं तो आप कह देंगे पहले योग से लिख देंगे क्योंकि असी की जगह पे योग की बात हो रही है तो हम कह देंगे स्वाध्याय एकाग्रता तुम सक्षमा भविष्य बस इतना सा परिवर्तन किया उत्तर तो यहीं पे लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है छात्र किम ज्ञातुम समु समुत्सुक आसन छात्र क्या जानने के लिए उत्सुक थे कि किसके बारे में जो उसने बताया था सागर ने बोला था उससे पूछा था कि आप क्यों हैं तो आप उसने क्या कहा था वयम सर्वे हम सभी योग से उपयोगिताया विषय रूपेण ज्ञात उत्सुका स्म तो यही हमारा उत्तर बन जाएगा कि छात्र योग से उपयोगताया विषय रूपेण ज्ञात समुत्सुका आसन ठीक है क्योंकि क्योंकि आसन हमने क्यों प्रयोग किया देखिए व्यय और कर्ता क्रिया एक जैसे आए थे लेकिन प्रश्न में यहाँ पे छात्रा और आसन लिखा हुआ है कर्ता छात्र बन रहे हैं क्रिया आसन बन रही है तो हम भाई यहीं से उठा लेंगे और बाकी का जो चीजें हैं वो कहां से अपने वाक्यों में से ले लेंगे अब आगे लिखा हुआ है योग शास्त्र से कस नियमनम्म प्रतिपादितम अस्थि योग शास्त्र में किसके नियम का प्रतिपादन किया गया है तो आप कहेंगे योग शास्त्र शरीर से मनसहा चा नियमनम प्रति प्रतिपादितम अस्ति जैसा कि हमारे गद्यांश में लिखा है हमें कहीं और से नहीं लेना है कि योग शास्त्र शरीर से मनसचिचा नियमनम प्रतिपादितम वर्तते या अस्ति एक ही बात होती है भवती वर्तते अस्ति एक ही बात होती है सबका अर्थ है ही निकलता है अब अधोलिखित भावार्थ रिक्त स्थाना निपूर्ति मंजूषाया पद सहायता क्रोत अब आपको नीचे लिखे हुए जो भावार्थ है उसका देखिए आपको एक ऐसे श्लोक दे दिया या आपको भाई पूरा पद्यांश ना देखे एक पंक्ति दे दी और उसका भावार्थ लिख दिया बस आपको उसका अर्थ समझ के यहाँ पे मंजूषा दी हुई है उसमें से आपको इसको पूर्ति कर देना है जैसे क्या लिखा है कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम यहाँ जो भाई बात बताई गई है किसके लिए कही गई है यहाँ पे हमारा जो शिवराज यानी जो शिवजी शिवाजी थे शिवाजी का जो दूत जाता है और इस पाठ का इनाम यह है कार्यम व सादेयम देहम व पातेम यानी या यार तो कार्य को सिद्ध कर लूंगा या फिर अपनी देह को पातेम यानी नष्ट कर दूंगा ये किसकी बात हो रही थी शिवाजी महाराज का एक जो दूत वो भीषण परिस्थितियां होती हैं लेकिन फिर भी अपनी कर्तव्य को पूरा करने के लिए उन सभी विषम परिस्थितियों को त्याग करके उनका सामना करते हुए वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है इसके बारे में ये कथा हमने पढ़ाई है आपको ठीक है तो यहाँ पे भावार्थ क्या निकल रहा है क्यों किन के लिए ये बात कही गई है बोले ऐसे व्यक्तियों के लिए ये बात कही गई है जो व्यक्ति संसार में अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटते चाहे उनके सामने कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों तो इसमें से हम लिखेंगे संसारी ये संसार में जो केचन कुछ कर्तव्य पारायण जना संति कुछ जो कर्तव्य पारायण कर्तव्य को करने में जो कैसे होते हैं निपुण होते हैं जो ईमानदार होते हैं ऐसे जन होते हैं ते वे अपि होने पर भी कैसा क्या होने पर विषम परिस्थिति अपनी विषम परिस्थितियों में भी स्वनिर्धारित कार्यम पूरी अपने कार्य अपने लिए निर्धारित काम को पूर्ण करते हैं तेषा मार्गे उनके मार्ग में कियंतो विघ्न आगे छियु कितने भी विघ्न आते रहे ते वे कदापि ना विरमंती कभी भी नहीं रुकते हैं किससे स्वकार्यात अपने कार्य से वे भी कभी नहीं रुकते हैं तादृशा कर्तव्यनिष्ठा उस प्रकार के कर्तव्यनिष्ठ महापुरुषः अपि मोहम ना कुर्वंती भी मोह नहीं करते हैं किसके अपने प्राणों का मोह भी नहीं करते हैं इस प्रकार से ये हमारे क्या बन जाएंगे भाई भाववार्थ का अर्थ ये होता है कि हमने आपको संस्कृत में हर चीज़ पढ़ाई है जो पाठ आने हैं है ना टर्म टू में वो उनके खूब अच्छा कंप्लीट रिवीजन में एक एक शब्द को निकाल निकाल के हमने आपको उनका अर्थ समझाया अब यहाँ पर केवल उसका अर्थ ही तो बताया है अर्थ को पढ़ करके बस इसमें से हमें उठाने तो के रखने तो है तो बस अपना हो जाएगा चलिए अब आगे क्या लिखा है अस्तम अब उसी पाठ का ही ये और पंक्ति दे दी गई है कि अस्तम अस्तम यानी अस्त होने को जिग्मिशु जिग्मिशु यानी तत्पर्य कौन भगवान भास्कर भगवान जो भास्कर हैं यानी भगवान सूर्य जो हैं ऐसे लग रहे हैं सिंदूर द्रव सिंदूर के द्रव में कहते हैं द्रव नातान नातानमेव यानी स्नान आता यहाँ पे स्नान होना चाहिए स्नातान होना चाहिए कि सिंदूर के द्रव में स्नान करते हुए ऐसा लग रहा है कि अस्त होने को तत्पर जो भगवान सूर्य है वो सिंदूर के द्रव में स्नान करके वरुण दिग अवलंब नाम वरुण जो दिशा है यानी जो पश्चिम दिशा है वरुण देव की दिशा किसको कही जाती है पश्चिम दिशा में वहां जाने के लिए अरुण वारी जो लाल हो चुका है भाई जब सूर्यास्त तो होता है और जब सूर्य भी लाल होता है तो वहाँ के जो अरुण यानी क्या हो जाते हैं लाल रंग के हो जाते हैं कौन बादल बादल भी कैसे हो जाते हैं लाल हो जाते हैं वारीवाह किसको कहा जाता है बादलों को कहा जाता है वारी यानी पानी की वाह यानी ले जाने वाले यानी पानी को ले जाने वाले वारीवाह अरुण यानी कैसे बादलों की बात हो रही है कह रहे कि लाल बादलों में वारिवाहा नाम प्रविष्ट यानी प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि लाल रंग की जो बादल हो चुके हैं उनके अंदर प्रवेश कर रहे हैं ठीक है तो अब हम इनमें से मंजूषा में से इनके शब्दों को उठाना है क्या लिखा है अत्र यहाँ पर सायकालीन सायकाल के सौंदर्य वर्णतम अस्ति सौंदर्य वर्णन है किसका वर्णन है तो कहेंगे प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है यदा जब सूर्य अस्तम गच्छति सूर्य अस्त की ओर जाता है तदा तब पश्चिम पश्चिमीदिक रक्तवर्ण मेघे पश्च पश्चिम की ओर रक्तवर्ण मेघ के द्वारा आच्छादित हो जाता है तब वहाँ के जो बादल होते हैं पश्चिम दिशा के बादल होते हैं वो कैसे है? रक्त हो जाते हैं रक्तवर्ण हो जाती क्योंकि सूर्य की किरणें भी उस समय पर लाल हो जाती हैं सूर्य की सूर्य की किरणें तो वैसी ही होती हैं बस हमारे वायुमंडल के परिवर्तन से होता है जैसा कि अपन सब ने पढ़ा हुआ है कि उदय होने समय क्यों लाल दिखता है अस्त होते समय क्यों दिखता है तो ये हमने विज्ञान में ये चीजें पढ़ी हैं लेकिन कह रहे हैं कि पश्चिम आदि पश्चिम दिख यानी पश्चिम जो दिशा है रक्त वर्ण मेघ ही रक्त वर्ण की मेघों के द्वारा क्या हो जाती है आच्छादित हो जाती है वहां पर ऐसे लगने लगता है कि चारों तरफ पश्चिम दिशा में रक्त रक्तवर्ण के रक्त किसको कहा जाता है लाल लाल रंग के बादलों से पश्चिम दिशा ढक गई हो तदृश्यम दृष्टि प्रतीयते यत उस दृश्य को देखकर कर ये प्रतीत होता है कि मेघा जो मेघ है वो सिंदूरमये जले स्नात्वा आगता सन्ती ऐसा लगता है कि मेघ भी सिंदूर के जल में स्नान करके आ गए हैं तादृशेशु रक्त वर्णेशु मेघेशु अस्तम गच्छति उस प्रकार के रक्त वर्ण के मेघों में सूर्य अस्त की ओर जा रहा है ऐसा यहाँ पर भाई भावार्थ निकल रहा है जो भाई हिंदी में भी जो अच्छे से समझ लेता है उसको फिर संस्कृत में भी परेशानी नहीं आती है है ना तो फिर संस्कृत का भी भावार्थ समझ में आने लगता है इसीलिए भाई अपनी पहले मातृभाषा में समझ लो फिर उसको संस्कृत में परिवर्तित करके तो भावार्थ और अनवय भी आपको आसानी से आ जाएंगे जो प्रश्न है उसमें आएगा रिक्त अच्छा, अगर दोनों, हुए हो, दोनों के साथ में लेकिन अथवा लगा दिया दो भावार्थ उनमें से अथवा लगा दिया मतलब एक नहीं भी लिखा तो उन्होंने कह दिया कि एक करना है लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट अथवा नहीं लगाया तो कह दिया कि केवल एक पद्य का कर दीजिए अब यहाँ क्या लिखा है दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय संचय ओ न कर्तव्य है यानी या तो देना चाहिए या उसका उपयोग करना चाहिए धन विषय धन के विषय में संचय ओ न कर्तव्य संचय नहीं करना चाहिए चाहे तो हम दान कर दो किसी को धन धन के विषय में अगर धन का आपके पास है तो उसके विषय में एक नीति कही गई है या तो उसको दे देना चाहिए या उसका उपयोग कर लेना चाहिए लेकिन संचय नहीं करना चाहिए कि जोड़ जोड़ के रखते जा रहे हैं उसका उपयोग भी नहीं कर रहे ना किसी की सहायता कर रहे ना किसी को दान कर रहे पश्य यही मधुकरिणाम संचितम अर्थ हरंत्ययी अन्य कहते हैं पश्य ए मधु देखो इन मधुकरिनाम देखो इन मधुमक्खियों को जो संचितम अर्थ जो अपने अर्थ यानी शहद को उनके भाई मधुमक्खियों का धन क्या होता है शहद तो संचितम अर्थ यानी अपने धन को इकट्ठा करती हैं तो लेकिन हरिय हरंती अन्य लेकिन उस शहद का उनके धन का उपयोग कौन करता है कौन ले जाता है उसको अन्य दूसरे लोग ले जाते हैं म, वो मधुमक्खी इकट्ठा करती है संचय करती रहती है खाती नहीं है स्वयं संचय करती है लेकिन हरणती अन्य लेकिन दूसरों के द्वारा हरण कर लिए जाती है उसके अर्थ का इसीलिए या तो दातव्यम या तो दान देना चाहिए या भोगतव्यम या फिर भोग कर लेना चाहिए उसका यानी उपयोग करना चाहिए ठीक है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए अब कहेंगे धन विषय ना कर्तव्य धन के विषय में क्या नहीं करना चाहिए तो आप कहेंगे संचय दातव्यम भोक्तव्यम या देना चाहिए या उपयोग करने चाहिए यही यहाँ मधुकरीणाम को क्या करो पश्य देखो संचितम संचित करती है किसको अर्थम जो अन्य हरंती जो दूसरों के द्वारा हर लिया जाता है देखिए अथवा में देखते हैं ददाती प्रति ग्रहणाती गोहम आख्या भूंगते भूंगते भोज्यते चैव षडम प्रीति लक्षण ददाती प्रति गृहणाती यहाँ पे ग्रहणाती हो जाएगा ठीक है यानी कोई देता है और कोई बदले में लेता है गोहियम आख्याति यानी कोई गुप्त बात को बताता है और कोई पूछता है या भूंग यानी खिला भोजन करता है या भोज्यते या खिलाता है ये ही कैसे होते हैं चा एवं ये ही षड विदम छह प्रकार के प्रीति लक्षण होते हैं यानी प्रेम के ये छह लक्षण होते हैं कि अगर आपस में प्रेम होता है तो हम किसी को देते हैं और उससे ले भी लेते हैं किसी को अपनी गुप्त बात बताते हैं और उससे गुप्त बात पूछ भी लेते हैं किसी को भोजन कराते हैं और उसका किसी के साथ में हम भोजन कर भी लेते हैं उसको करते भी हैं उसका भोजन उसके साथ में और उसको कराते भी हैं ये ही छः प्रीति लक्षण होते हैं प्रेम के लक्षण यानी मित्रता के लक्षण होते हैं तो यहाँ पर अनवय लिखना है अनवय में ज़्यादा अपना कुछ भावारत्मक होता नहीं है जो हमारा भाई श्लोक होता है उसको सही क्रम में लगा देना अन्वय होता है तो हम कहेंगे ददाती प्रति ग्रहणाती देना और वापस लेना गोहियम के साथ में आख्याति गोहियम आख्याति यानी गुप्त बात को आख्याति बोलना और प्रक्षति यानी पूछना भोज्यते के संग में भूंगते आ जाएगा हमारा यानी भूंगते या भोज्यते या तो हम खाते हैं या खिलाते हैं ये ही छः किसके होते हैं प्रीति लक्षणम षड विध भवती छः प्रकार के प्रीति लक्षण हो जाते हैं तो जो शब्द नहीं हो भाई प्रीति लक्षण छः प्रकार के हैं नहीं लिखा है तो उसको हम अपने मंजूषा में से लिख के लिख देंगे नहीं मंजूषा हो तब भी हम अपने श्लोक में ही देख लो कि कौन कौन से शब्द छूट गए हैं उनको आप अपने क्रम के अनुसार लिख दीजिए आपका अनुवाय हो जाए लीजिए इस प्रकार से ये आपका सैंपल पेपर पूरा हो जाता है आशा करते हैं कि इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि आपका पेपर कैसा आएगा आप इसको कैसे हल करेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद